दैट इट इज अ न्यू एज स्टडी अभी अभी शुरू हुआ है पंद्रह बीस साल से लोग इसको पढ़ रहे हैं एंड यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा आजकल चल गया है सो so, हमें पहले ये समझना पड़ेगा इसके बेसिक्स कहाँ से आए हैं ये क्या चीज है ये किस चीज का हिस्सा है सो द फर्स्ट टर्म आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड टूडे इज ज्योतिष दिस इज अ हिंदी वर्ड मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि हमारे साथ बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको हिंदी इतना नहीं आती लिखनी पढ़नी सो so, मैंने इंग्लिश में करके लिख दिया है वॉट इज ज्योतिष अभी ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि ज्योतिष होती है पत्री पढ़ना राइट right? पत्री देखना एस्ट्रोलॉजी जिसको वो लेमिन लैंग्वेज में बोल देते हैं उनको लगता है वो ज्योतिष होती है वो ज्योतिष नहीं होती वो ज्योतिष का एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं होरा शास्त्र राइट right? ज्योतिष का असली ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से बन मिल बना हुआ है ज्योति प्लस ईश राइट ज्योति मीन्स लाइट एंड ईश मीन्स गॉड सो बेसिकली ज्योतिष का जो मतलब होता है वो क्या है इट मीन्स लाइट ऑफ गॉड अब इसके दो एस्पेक्ट होते हैं फर्स्टली लाइट ऑफ गॉड दैट टेल्स यू वॉट इज हैिंग इन योर लाइफ आपके जीवन में क्या चल रहा है क्यों चल रहा है कब तक चलेगा कब आपका अच्छा टाइम आएगा कब आपका बुरा टाइम आएगा बेसिकली जिसको आप बोलते हो प्रिडिक्शन आप सब भी इसलिए आए हो इस फील्ड में कि प्रिडिक्शन सीखेंगे कब क्या कैसे होगा ये जानेंगे प्रिडिक्शन करेंगे अपना करियर बनाएंगे राइट सो दिस इज द फर्स्ट मीनिंग एंड द सेकेंड मीनिंग विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वॉज स्पिरिचुअलिटी कनेक्टिंग टू स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी लाइट ऑफ गॉड दैट टेल्स यू हुर यू आप कहाँ से आए हो क्यों आपने जन्म लिया है ठीक है ईश्वर आप परमात्मा का एक हिस्सा हो ज्योतिष जो सब्जेक्ट है आपको ये सारी बातें सिखाता है हाउ यू कैन लीड योर लाइफ स्पिरिचुअली जीने का सही तरीका क्या है आपको ये ज्योतिष बताता है जब आप डिवाइन से कनेक्ट होते हो इन सब्जेक्ट के थ्रू तो आप सही तरीका सीखते हो जीने का राइट So, ज्योतिष के ये दोनों मतलब हैं लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है अभी हम मेजरली फोकस करने लग गए प्रिडिक्शन पे कि मुझे प्रिडिक्शन आना चाहिए टाइम पीरियड बता पाऊं मैं कि ये कब होगा हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि हम टैरो से ये पूछ लें कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे जीवन में ये चीज सुधर जाए वी डोंट आस दैट जबकि ये सब्जेक्ट्स बनाए गए थे इसीलिए लेकिन हमें मतलब रह गया प्रिडिक्शन से सो वेन आई टीच आप जो एडवांस कोर्सेस करते हैं जब मैं वो पढ़ाती हूँ तो मैं आपको कोर्स इस तरीके से पढ़ाती हूँ कि आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर पाए आपका सिर्फ फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मैम टाइम पीरियड पढ़ाना सिखाओ टाइम पीरियड कैसे बताएंगे या ये बताओ कि क्लाइंट जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर यू हैव टू ग्रो एज अ पर्सन ऑल्सो दैट इज द प्राइम पर्पज ऑफ ज्योतिष ठीक है प्रिडिक्शन भी आ ही जाएंगे ऑब्वियसली कोर्स करके लेकिन हमें प्राइम पर्पज भी हमेशा याद रखना पड़ेगा और हैव यू अंडरस्टूड वॉट वी मीन राइट? अब जब ये बात बताई जाती है कि ज्योतिष का मतलब कर लेंगे अपनी लाइफ को कैन वी चेंज आर डेस्टिनी दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी वॉन्ट द आंसर फॉर इन दिस सब्जेक्ट सही बात है ना सभी जानना चाहते हैं इसको मेरे जीवन में ये सिचुएशन है क्या मैं इसको बदल दूंगा ये पढ़ के ये समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कर्म थ्योरी पढ़ा रही हूं उसके बाद इसका जवाब दूंगी नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वॉन्ट टू कवर कर्म थ्योरी दिस इज हिंदी संस्कृत वर्ड कर्म है लेकिन ये इंग्लिश में ए जुड़ जाता है तो फिर वो कर्मा हो जाता है आजकल बड़ा फेमस है कर्मा गुड कर्मा बैड कर्मा राइट सो बेसिकली इट इज कॉल्ड द करम, 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 right? so करम थ्योरी सबसे पहला वर्ड इसमें आता है संचित कर्म अगर किसी को कहीं पे प्रॉब्लम है यू कैन राइट मी इन द चैट आई विल आस्क यू देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन राइट पहला वर्ड आता है संचित कर्म क्या होते हैं संचित कर्म आपने पास्ट में जितने भी लाइव्स लिए थे आप जितनी भी बार पैदा हुए थे आज से पहले सब में आपने कर्म किए उनके रिजल्ट्स आपको भोगने हैं सो so, जो रिजल्ट जो अभी तक आपने नहीं भोगे हैं विच आर ड्यू फॉर यू टू बेर इन द कमिंग लाइफ लाइफ टाइम्स ये जो आपकी बकेट है फुल ऑफ रिजल्ट इसको कहते हैं संचित कर्मा इंग्लिश में कहते हैं एक्यूमुलेटेड कर्मा राइट right? एक्यूमुलेटेड कर्मा मीन्स जो भी आपके कर्म अभी ड्यू हैं आप रिजल्ट भोगोगे कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड संचित कर्म सेकेंड वर्ड इज प्रारब्ध नाउ वट इज प्रारब्ध इंग्लिश में आप इसको बोलते हो डेस्टनी प्रारब्ध होता है जो आप लेके पैदा हुए थे जिस दिन आप पैदा हुए थे decided था कि ये कर्म के फल आप इस जीवन में भोगोगे इसका मतलब प्रारब्ध जो है संचित कर्मों का एक हिस्सा है जितने भी आपके बकेट में कर्म के रिजल्ट हैं सारे तो आप एक ही लाइफ टाइम में भोग नहीं लोगे राइट उसमें से कुछ ही भोग सकते हो जो इस लाइफ टाइम में भोगने वाले हो उनको बोला जाता है प्राप्त रब विच इज योर डेस्टनी एंड इट इज बिलीव्ड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च इन एस्ट्रोलॉजी इट इज बिलीव्ड दैट इट इज सिक्सटी परसेंट ऑफ योर लाइफ साठ परसेंट आपके जीवन का जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन डिसाइडेड था वॉट डज दैट मीन कि इस जन्म में आप कुछ भी करो लेकिन इस साठ परसेंट में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते साठ परसेंट फिक्स था है और रहेगा क्लियर थर्ड टर्म इज क्रियामान कर्म ये है हमारे काम की चीज वाई बिकॉज क्रियामान कर्म का मतलब है इस जन्म में अब आप पैदा हो गए हो तो अब कुछ तो करोगे ना सिर्फ रिजल्ट भोगने के लिए तो आए नहीं हो कि रिजल्ट भोगे और चले गए अब इस जन्म में भी कुछ कर्म करोगे विच इज बिलीव टू बी फोर्टी परसेंट ऑफ योर लाइफ And this is your free will. ये आपकी मर्जी है आप अच्छे करो बुरे करो कुछ मत करो व्हाट एवर यू डिसाइड टू डू इट इज योर फ्री विल एंड उसके रिजल्ट भी आपको मिलेंगे ये चालीस परसेंट होता है इसको हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं इसलिए ये हमारे काम की चीज है बिकॉज इसी से हम अपना जीवन बदल सकते हैं और ये आपको समझ में आ जाएगा आपकी फोर्टी परसेंट आप बदल सकते हो इसलिए जब आप ये बोलते हो आजकल बहुत यू नो इलॉजिकल क्लेम्स भी होते हैं हमारी लाइन में कि मृत्यु को टाल देगा ये मंत्र मृत्यु को टाल देगा ये उपाय ऐसा कुछ नहीं होता आपके लाइफ के जो मेजर इवेंट्स होते हैं वो आपके प्रारब्ध से इफेक्टिव होते इफेक्टेड होते हैं और प्रारब्ध में आप कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पिछले जन्म में तो आप जाओगे नहीं कर्म को बदलने है ना पिछले जन्म के कर्म का फल है सो वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा So, किसी के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है किसी के फाइनेंसिस में प्रॉब्लम है किसी के हेल्थ में प्रॉब्लम है अगर वो प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है तो वो तो आपको इस जन्म में भोगना ही है लेकिन उसको आप अपने क्रियामान कर्मों को बेटर करके उसके इफेक्ट को ऑल्टर कर सकते हो समझ में आया क्रियामान कर्म इट इज वेरी सिमिलर जैसे कि मैं आपको ये बोलूं कि बाहर बारिश हो रही है ठीक है अब आपके पास दो कंडीशन है बाहर जाने की आपको मार्केट जाना है बाहर बारिश हो रही है अब दो चीजें कर सकते हो आप या तो आप छाता लेके जाओ या आप बिना छाते के चले जा जाओ क्या होगा छाता लेके जाओगे तो भीगने से बच जाओगे छाता नहीं लेके जाओगे भीग जाओगे हो सकता है बीमार पड़ जाओ लेकिन किसी भी कंडीशन में आप बारिश को नहीं रोक पाओगे सिमिलर बात है आपके जीवन की कि किसी भी कंडीशन में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो कोई भी रेमेडी कर लो अगर आप ये सोचोगे कोई जादू की छड़ी घूमेगी और आपका जीवन बिल्कुल ऐसे हो जाएगा बेड ऑफ रोजेज तो दैट कैन नॉट हैपन यू कैन नॉट कंट्रोल द सर्कमस्टांसेस आउटसाइड यू कैन ओनली कंट्रोल हाउ यू बिहेव आप कैसे उसमें बिहेव करते हो उस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो एंड दैट इज वॉट वी कॉल क्रियामान कर्म राइट अब बात करते हैं कि क्रियामान कर्मों में टैरो न्यूमेरोलॉजी वास्तु आपके जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको कैसे हेल्प करते हैं हम बड़ा इसका मतलब होता है इन सब्जेक्ट्स का कैसे अभी मान लो आप एक क्रॉस पॉइंट पे खड़े हो आपको डिसीजन लेना है मैं यहां जाऊं या यहां जाऊं सो so, दिस इज योर क्रियामान कर्म ना अभी आप फैसला करोगे सो so, इस जन्म का कर्म है ये अब इसमें अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट मान लो टैरो है न्यूमेरो है कोई भी सब्जेक्ट है आपको हेल्प करता है कि भाई आप अगर इस रास्ते पे चलोगे तो बेटरमेंट होगी सो आपका क्रियामान कर्म को इफेक्ट कर रहा है वो दैट इज वाई दीज सब्जेक्ट आई हेल्प यू मेक योर क्रियामान कर्म बेटर प्रारब्ध को पढ़ना तो सीख ही लोगे लेकिन पढ़ के पढ़ भी लोगे अगर तो उसको चेंज नहीं कर सकते चेंज कर सकते हो अपने क्रियामान कर्मों को तो उसी पे फोकस करना चाहिए कि इस जन्म में मैं क्या बेटर करूं कि मेरे जो रिजल्ट हैं थोड़े से बेटर हो पाए मैं थोड़ा पॉजिटिविटी के टू तो चल पाऊ राइट right? सो so इसीलिए इन सब्जेक्ट्स को बहुत वेटेज दी, जा, दी जाती है एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दीज टू थिंग्स वॉट इज ज्योतिष एंड वॉट इज करम क्रियामान प्रारब्ध एंड संचित अब जब मैंने कर्म की बात कर ली है तो मैं थोड़ी सी यहां करम की और बात कर लेती हूँ बिफोर आई एक्चुअली मूव ऑन टू टैरो लोगों को ये लगता है कि कर्म सिर्फ वो होते हैं जो हम करते हैं है ना मैंने एक एक्शन किया दैट इज माई कर्म उसका रिजल्ट मुझको मिलेगा दैट इज नॉट ट्रू कर्म हर वो चीज है जो आपने सोची है आपने बोली है और आपने करी है ऑल थ्री थिंग्स व्हाट यू थॉट व्हाट यू सेड एंड वॉट यू डिड ऑल थ्री आर योर कर्म प्लीज म्यूट योर सेल्फ

हेलो मैम मैम आई वांट टू आस्क लाइक आपने बताया कि जैसे पूरा कर्मा जो हम बोलते हैं जस्ट जस्ट क्वेश्चन वो अपनी एक आई थिंक uh, uh, हम गलत अपनी वाणी से कुछ बोल रहे हैं तो August? वो भी, Obviously, yes. 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 अगर yes. देखिए आप आज टैरो yes. की वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो राइट right? अगर yes. आपको टैरो पे बिलीव नहीं है एंड इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग नेगेटिव इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग बट बींग एंड देन अब्यूजिंग और सेग थिंग इट इज योर कर्मा है ना yes. और फिर yes. लोग उसको और दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कैसे उस पर रिएक्ट करके आपको लगता yes. है कि एक इंसान कुछ गलत कर रहा है

सिर्फ आप जो काम कर रहे हो वो आपके कर्म नहीं है जो आप सोच रहे हो और जो आप बोल रहे हो वो दोनों भी आपके कर्म हैं वो भी काम होते हैं किसी भी आपकी अच्छा अच्छा ओके थैंक यू मैम राइट आई हैव अ क्वेश्चन हु हैज अ क्वेश्चन शिविका यस शिविका जस्ट होल्ड ऑन मैम यस सो आई वाज़ सेइंग Uh, uh, thoughts तो ऐसे होते ना जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं हम जब अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर पाते वेन आर माइंड नॉट इन आर कंट्रोल वी आर इन कंट्रोल ऑफ आर माइंड कम बायसेल्स एक दिन में हमारे पास साठ हजार थॉट्स आते हैं रिसर्च mm -hmm. कहती है ऑन एन एवरेज वी है अब सोच लो हम प्रधानमंत्री तो है नहीं कि हमें इतने थॉट्स की जरूरत है सारे यूजलेस होते हैं काम के तो एक आधा ही होता है सो वी नीड टू नो हाउ टू कंट्रोल आर माइंड्स हाउ टू कंट्रोल आवर लाइव्स आज की डेट में प्रॉब्लम क्या हो गई है जो चीजें हमारे लिए बनाई गई थी हमारी सुविधा के लिए उनमें से एक हमारी दिमाग भी था जिसको हमारे लिए काम करना था अब वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा हम उसके लिए काम कर रहे हैं वो हमें नेगेटिव थॉट्स देता है हम बैठ के आराम से सोचते रहते हैं वो उसको भरता रहता है हम सोचते रहते हैं व टू लर्न हाउ टू स्टॉप इट ठीक है जब आप इस फील्ड में आओगे ना बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपको ये सिखाते हैं ओके एनीथिंग एल्स और शैल वी कंटिन्यू नाउ यू कैन कंटिन्यू ओके जी यू वेलकम रिचा जी चलिए जी आगे चलेंगे अभी हमने ये पढ़ लिया कि ज्योतिष में ऐसे ऐसे होता है और ऐसे हम अपने कर्म बदल सकते हैं अब हम आते हैं टैरो पे है ना क्योंकि हमारी वर्कशॉप है टैरो से रिलेटेड हम पढ़ना चाहते हैं टैरो सो अस स्टार्ट विद टैरो सबसे पहले बात करेंगे हिस्ट्री की क्योंकि बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि ये पंद्रह बीस साल पुराना सब्जेक्ट है ये पंद्रह बीस साल पुराना सब्जेक्ट नहीं है फिफ्टीन सेंचुरी 15th century. 15th century में जो इसका लास्ट ट्रेस मिला देखो क्या होता है ना हम जब रिसर्च करते हैं रिसर्चर्स करते हैं हम तो नहीं करते रिसर्चर्स जब रिसर्च करते हैं तो उनको जो लास्ट ट्रेस मिलता है वो वहां मानते हैं उससे पीछे भी हो तो हमको नहीं पता लेकिन लास्ट ट्रेस फिफ्टीन सेंचुरी में तो है इजिप्ट में राइट right, वहां पे जिप्सीज जो होते थे कबालास जिनको हम कबालास भी बोलते हैं वो लोग क्या करते थे क्रिस्टल गेजिंग और टैरो को यूज करते थे फॉर प्लेइंग आल्सो एंड फॉर फ्यूचर प्रोडिक्शन आल्सो बहुत ज्यादा सीरियसली तब नहीं लिया जाता था टैरो को इट वाज मोर ओवर यूज लाइक यू नो समथिंग एक इंक्विजिटिवनेस के साथ या एक गेम की तरह इसको लेते थे बहुत सीरियस नहीं थे बट यस इट एग्जिस्टेड ओके इसकी ग्रोथ का वही जब सेवनटीन सेंचुरी में ये इंडिया में आया सेवेंटीन सेंचुरी में इंडिया में आया और जो इंडियंस थे वो हद से ज्यादा स्पिरिचुअल थे आज की डेट में तो हम लोग सिर्फ टेन परसेंट रह गए है ना पहले के लोग तो हर चीज स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से करते थे तो उन्होंने देखा दैट हैज गॉट पावर्स इट कैन डू अ लॉट एंड दे रिसर्च एंड नेम्ड इट एज अ डिविनेशन टूल सिर्फ पास प्रेजेंट फ्यूचर के लिए नहीं दे सेट दैट दिस इज अ डिवाइन टूल इट कैन कनेक्ट यू टू द मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ परमात्मा इस समय पे देखिए जब मैं बोलती हूँ ना परमात्मा आप उसको कुछ भी मान सकते हो एक हायर एनर्जी योर ओन हायर सेल्फ भगवान ईश्वर अल्लाह वाई गुरु कुछ भी एक हाइस्ट एक पावर है एक सुप्रीम एनर्जी है हम सब जानते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं ठीक है सो उससे कनेक्ट करने का यह तरीका है हम इसको पढ़ के किसी भी सिचुएशन में वो हमें क्या मैसेज देना चाहता है वो चीज तक हम पहुंच सकते हैं दैट इज वाई इट वॉज नेम्ड एज डिविनेशन टूल आप गूगल पे भी डालोगे ना वॉट इज टेल यू इज़ अ डिविनेशन टूल सो यहां से उसका ओरिजिन था इंडिया में उसको नाम मिला था डिविनेशन टूल एंड तो इस चीज से आप देख सकते हो कि टैरो सेंचुरी से एग्जिस्ट करता है ये नहीं है कि आजकल आया है यस yes, आजकल पॉपुलर बहुत ज्यादा हो गया बिकॉज इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इजी टू लर्न बहुत जल्दी आ जाता है इसके पीछे भी लॉजिक है क्यों जल्दी आता है अभी बताऊंगी थोड़ी देर में राइट right? सो so, काफी टाइम से चल रहा है नाम इसके बदलते रहे सबसे पहले इसको टैरो चिनी बोलते थे टैरोग बोलते थे ट्रैम बोलते थे लास्ट में करते 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 करते, करते इसको नाम मिला टैरो जिसके पीछे भी मीनिंग है एंड नेक्स्ट थिंग आई एम कमिंग टू दैट ओनली व्हाट डस टैरो मीन सो टैरो इज बेसिकली मेड ऑफ टू वर्ड्स टार प्लस रॉस टार मीन्स वे ऑफ लाइफ एंड रॉस मीन्स रॉयल सो बेसिकली द मीनिंग ऑफ टैरो इज टू लिव अ रॉयल वे ऑफ लाइफ अब यह बड़ी हैरानी की बात है कि क्यों ऐसा हमने बोला इसको रॉयल वे ऑफ लाइफ स्टैटस देने वाला है नौकर चौकर देने वाला है क्या है ऐसा जो रॉयल वे हो जाएगी मेरे जीने की जीने का शाही तरीका राइट सो इफ एनी बडी ऑफ यू वॉन्ट्स टू आंसर वाई डू वी कॉल इट रॉयल वे ऑफ लाइफ ऐसा नाम हमने इसका क्यों रखा बिकॉज Uh, because you know after we uh, get the guidance, we can make certain changes. We can uh, for our betterment in our life after getting the guidance from tarot. Yes. That is why it said that you can lead a royal life. Is yes. what my opinion. Yes, you are absolutely right. क्या होता है ना देखिए एक royal way of life का मतलब हम राजा महाराजा की तरह जीने के उसी को हम refer कर रहे हैं। So royal way क्या होता है? मान लीजिए एक राजा को एक अनजान जगह पे जाना है। तो वो खुद उठ के नहीं जाता कि जा, चलो जी मैं एक्सप्लोर करता हूं उस नई जगह को ही डू दैट ही उसके मंत्री जाएंगे वहां पे उसके रहने का सारा अरेंजमेंट करेंगे ठंड है तो गर्मी का अरेंजमेंट, गर्मी है तो ठंड का खाने का पीने का सोने का एवरीथिंग एंड व्हेन एवरीथिंग विल बी परफेक्ट देन दिंग राइट इज वाई दैट इज व्हाई ही टैरो so, आपको यही प्रिविलेज आपकी लाइफ में देता है जब आप कंफ्यूज हो कि मैं ये करूं या ये करूं मुझे एक नया डिसीजन लेना है एक नया फैसला लेना आई डोंट नो हाउ इट विल इफेक्ट माय लाइफ मुझे नहीं पता वो डिसीजन अच्छा होगा कि बुरा तो टैरो आपको पहले ही बता देगा कि भाई इसका रिजल्ट ये होगा अब रिजल्ट देख लो और चुन लो सो यू डोंट हैव टू टेक एनी रिस्क इन योर लाइफ दैट इज वाई इट वॉज नेम्ड लाइक दिस That when you move every step in your life according to the tarot's guidance, according to looking up, looking at the results, you take the decisions, you live a risk-free life. That is why it was named like this, tarot, royal way of life. Jeene ka shahi tarika. Kyunki aap kuch bhi karna chahte leje, aap there is a person, usko transfer ho raha okay? And wo Pune वो दिल्ली भी जा सकता है वो मुंबई भी जा सकता है राइट नाउ उसके लिए तीनों जगह बिल्कुल नहीं है दिखे 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 दिखे। उसको नहीं पता कि तीनों जगह में क्या डिफरेंस है सो so, वो टैरो से पूछ सकता है मैं पूना जाऊंगा तो क्या होगा मैं दिल्ली जाऊंगा तो क्या होगा मैं मुंबई जाऊंगा तो क्या होगा तो जहां पे उसको लगता है कि मेरी बेस्ट ग्रोथ हो सकती है मुझे बेस्ट करियर ग्रोथ मिल सकती है वहां पे ज्वाइन कर लो तो आपको रिस्क लेना ही नहीं पड़ रहा राइट दैट इज वाई इट वॉज आप लोग म्यूट नहीं रखोगे मैं म्यूट बटन आपके कंट्रोल कर लूंगी देन यूल टू अन्यूट योर सेल्व जब आप नहीं बोल रहे हो तो इतना ध्यान रखो बिकॉज देर आर मेनी पीपल नॉट ओनली यू सो डोंट डिस्टर्ब एवरी वन ओके यस एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ मैम आई है

चलिए जी वेरी गुड क्वेश्चन रेस्ड एंड हम नेक्स्ट वही क्वेश्चन ले रहे हैं हाउ ये फ्लूक नहीं होता ऐसा मैं कैसे मान लू ठीक है सबके दिल में सवाल उठता है जब आप नए नए आते हो या कभी हम रीडिंग कराते हैं और सही भी हो जाती है ना रीडिंग तो भी हमारे मन में आता है यार तुक्का लग गया होगा राइट सो पीपल थिंक इट इज अ फ्लूक एंड ट इन टू दिस फील्ड इफ वी वॉन्ट टू बिकम टैरोस सबसे पहले हमें खुद बिलीव करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं और वो बिलीव करने के लिए जब तक हमें समझ नहीं आएगा क्या क्या वर्क कर रहा है तब तक हम अंधविश्वास ही मानेंगे इसको राइट right? तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगी हाउ डस टैरो वर्क पहली चीज जो टैरो में काम करती है वो होती है एस्ट्रोलॉजी का एक शास्त्र जिसको हम बोलते हैं शकुन शास्त्र अभी नाम मैक्सिमम लोगों ने सुना नहीं होगा इसका लेकिन एग्जाम्पल सब ने सुने होंगे शीशे का टूटना अच्छा नहीं होता दूध वाले का दिखना बहुत अच्छा होता है दूध का उफनना अच्छा नहीं होता बिल्ली का दिखना अच्छा नहीं होता है ना ये शकुन एंड अपशकुन हम इसको बोलते हैं एंड दीज आर कॉल्ड नेचर्स इंडिकेशन फॉर यू इफ यू नो हाउ टू रीड दम ठीक है सो ये पूरा शास्त्र है जैसे अंक शास्त्र है जैसे होरा शास्त्र है ऐसे ही एक पूरा शास्त्र है शकुन शास्त्र जिसमें ये सारे शगुन अपशगुन दिए गए हैं उस शास्त्र को हम यूज करते हैं टैरो में जब हम चार्ज करके कार्ड्स को देखिए, जब तक आप टैरो कार्ड्स को चार्ज करके यूज नहीं कर रहे ना इट इज नो पॉइंट यूजिंग देम बहुत सारे लोग कोर्सेज कराते हैं उसमें चार्जिंग सिखाते ही नहीं है तो जब तक आप चार्ज नहीं कर रहे हो तब तक दे आर नॉट कनेक्टेड और फिर वो रीडिंग आपकी फ्लूक ही है एक्चुअली राइट सो जब हम उनको नेचर से कनेक्ट कर देते हैं तब ये शास्त्र प्ले में आता है एंड देन आर कार्ड आर ऑलवेज रिलेटेड टू द क्लाइंट ओके अब क्या होता है ये शास्त्र क्या है नेचर्स इंडिकेशन है हमारे लिए लेकिन आजकल बहुत मुश्किल से सच होते हैं अगर आप देखोगे आजकल क्या होता है बिल्ली ने रास्ता काटा हम कहते हैं अंधविश्वास है कुछ नहीं होता आजकल सच नहीं होते पहले बहुत सच होते थे सो so, कमी शास्त्र में नहीं है कमी हम में है आज की डेट में आप देखिए कि आप आप नेचर नेचर से कितना कितना कनेक्टेड हो हो टाइम के साथ बिताते हो? हम सारा दिन चार दीवारों में बंद रहते हैं चाहे ऑफिस में हो चाहे घर में हो सनलाइट दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट हम वो भी नहीं लेते हम वाइटामिन डी के कैप्सूल्स खाते हैं आज की डेट में हर कोई खा रहा होगा वाइटामिन डी हर किसी में डेफिशियंट है राइट सो वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग नेचर वी आर ओनली हार्मिंग नेचर तो वो आपको कोई इंडिकेशन देगा क्यों भाई आप आज मेरे से कनेक्ट हुए हो इफ यू हार्म मी वाई विथिंग गुड फॉर यू सो दैट सिमिलर इज द केस विद नेचर कि जब आप नेचर से कनेक्टेड ही नहीं हो आज भी अगर आप नेचर से कनेक्शन बनाते हो यू डुल इन टू स्पिरिचुअलिटी नेचर के जो इंडिकेशन होंगे आपके लिए बिल्कुल सच होंगे शकुन शास्त्र आज भी काम करेगा लेकिन अगर आप कनेक्टेड ही नहीं हो तो फिर ये इंडिकेशन आपके कोई मायने नहीं रखते पहले जो हमारे संत होते थे यू uh, नो you know, जंगलों में पर्वतों में रहते थे नेचर के बीच में ही रहते थे वो लोग कभी पत्री नहीं देखते थे टैरो नहीं देखते थे या हाथ नहीं देखते थे वो लोग आप उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछो वो लोग नेचर को ऑब्जर्व करके और आपको आंसर दे देते दे दे थे एंड दैट यूज टू बी एप्सोल्यूटली करेक्ट बिकॉज दैट वॉज बेस्ड ऑन शकुन शास्त्र अंडरस्टूड वॉट इज शकुन शास्त्र इसको हम यूज करते हैं टैरो में जब हम कार्ड्स को चार्ज कर देते हैं और कनेक्ट कर देते हैं नेचर से सो फिर नेचर हमारी हेल्प करता है इंडिकेशन में और नेचर से बड़ा कुछ नहीं है नेचर इज गॉड ओके सेकेंड थिंग दैट वी यूज इज न्यूमेरोलॉजी अगर आपने कार्ड्स कभी देखे हैं नहीं देखे तो मैं थोड़े से दिखा रही हूं आप देखेंगे हर कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है रोमन में लिखा होता है एवरी कार्ड हैज अंबर ऑन इट अब ये ऐसे ही नहीं है कि हमने ड्रॉइंग बना दिया दिस नंबर हैज अंग विच वी हैव टेकन फ्रॉम न्यूमेरोलॉजी एंड दैट ऑल्सो वी यूज इन टैरो राइट थर्ड इज कलर सिंबोलिज्म कलर्स बड़े ब्यूटिफुल यूज होते हैं टैरो में एक ही कार्ड में आप देखेंगे बहुत सारे कलर्स हैं और एक ही कलर को हमने अलग अलग तरीके से यूज किया अब आप इस कार्ड में नोटिस करो कि ऑरेंज है थोड़ा सा राइट right? इस कार्ड को देखो ये पूरा ऑरेंज है दोनों जगह मतलब बदल जाएगा सो कलर्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन टैरो एंड दैट पोर्शन वी हैव टेकन फ्रॉम कलर सिंबोलिज्म विच वी यूज इन टैरो नंबर फोर एंड द बिगेस्ट ऑफ ऑल इज पिक्चर सिम्बॉलिज एक छोटे से कार्ड में उन्होंने आपको एक सिचुएशन दिखाई है दिस इज अफ सिचुएशन ऑफ योर्स टैरोस हमारे जीवन से अलग नहीं होते टैरोस क्या है बेसिकली दीज आर सेवेंटी एट सिचुएशन ऑफ आवर ओन लाइफ वही पढ़ना हम सीखते हैं कि ये कार्ड कौन सी सिचुएशन को बता रहा है सो पिक्चर सिंबोलिज्म होता है हर एक पिक्चर का कुछ भी उन्होंने बनाया है ये पहाड़ बनाया है ये आदमी बनाया ये औरत बनाई एंजल बनाई सन बनाया कुछ भी बनाया है उसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है इट इज नॉट दैट ओवरऑल मैंने देखा हाँ कार्ड बड़ा अच्छा लग रहा है पॉजिटिव है नॉट लाइक दैट हर छोटे से छोटी चीज का उन्होंने मतलब बताया है इसलिए हम कहते हैं कि कार्ड्स को पूरी डिटेल में हमको पढ़ना पड़ता है डीज फोर थिंग्स प्लस द intuitions ऑफ द रीडर दिस इज ये चारों एक तरफ है और ये एक तरफ है तभी मैंने एक तरफ लिखा है ये पांचों चीजें मिलके एक टैरो रीडिंग बनती है सो नाउ यू हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट हाउ डज टैरो वर्क टैरो कोई फ्लूक नहीं है टैरो में ये सारी चीजें यूज होती हैं। नाउ ये चारों चीजें तो मैं आपको पढ़ा दूंगी शक्ुन शास्त्र कैसे यूज होता है न्यूमेरोलॉजी कलर्स पिक्चर्स सब मैं सिखा सकती हूँ इंट्यूशन कैसे बढ़ाऊंगी मैं आपकी अगर आप मुझसे पढ़ते हो या किसी से भी पढ़ते हो तो वो आपकी इंट्यूशन कैसे बढ़ाएगा कोई नहीं बढ़ा सकता आपकी इंट्यूशन आप खुद बढ़ा सकते हो सिर्फ कैसे बढ़ती है इंट्यूशन व्हेन वी वॉक द डिवाइन पाथ व्हेन वी ग्रो स्पिरिचुअली जो शुरू में मैंने आपको बताया था ज्योतिष का प्राइम पर्पस जो होता है टू ग्रो इन टू स्पिरिचुअलिटी टू लीड अ स्पिरिचुअल लाइफ जब वो चीज आप करते हो जब आपके चक्रास बैलेंस्ड होते हैं तब आपकी बढ़ती है देन यू ग्रो एज अ रीडर ओके इसीलिए मैंने अपने कोर्स में इनकॉर्परेट किया हुआ है चक्रास का कोर्स भी जिसमें मैं पढ़ाती हूँ डिटेल्स में क्या हमारे चक्रास होते हैं कैसे वो ब्लॉकड होते हैं कैसे अनब्लॉक होते हैं आप कैसे उनको अनब्लॉक कर सकते हो चार्ज कर सकते हो और जब हमारी बॉडी चक्रास बैलेंस्ड होते हैं तब हम स्पिरिचुअलिटी में उठते हैं और हमारी इंट्यूशंस बढ़ते हैं क्लियर सो अ टैरो रीडिंग इज मिक्स ऑफ ऑल दीज फाइव थिंग्स क्लियर और बेसिकली एक टैरो रीडिंग होती क्या है इट इज कनेक्टिंग द क्लाइंट टू द हायर सेल्फ थ्रू अ ब्रिज विच वी आर द रीडर इज अ ब्रिज नो बडी एल्स रीडर कोई अंतर्यामी या कोई महाज्ञानी नहीं है सिर्फ एक आदमी है जिसको कार्ड्स पढ़ने आते हैं और वो एक ब्रिज है उस क्लाइंट के और उसके हायर सेल्फ या परमात्मा गॉड आप कुछ भी कह सकते हो यूनिवर्स नेचर उस समय पे यूनिवर्स उसको क्या गाइड करना चाह रहा है क्या मैसेज देना चाह रहा है उसको आप इंटरप्रेट करके उसको बताते हैं क्लियर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया टैरो वर्क नेक्स्ट yes. क्वेश्चन आता है कि इतना यस सुमेदा अच्छा यू अप ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कोर्स इतनी जल्दी कैसे आ जाता है हम होरा शास्त्र की बात करते हैं तो हमें दो साल का टाइम दिया जाता है कि दो साल में कुछ सीखोगे हम वास्तु की बात करते हैं हम पेमिस्ट्री की बात करते हैं तो कहते हैं छह महीने में सीखोगे टैरो कैसे आ जाता है दो महीने में और सही भी निकलने लग जाता है टैरो में मेरे कई स्टूडेंट्स ने भी इस वर्कशॉप में ज्वाइन किया हुआ है वो जा, वो ये समझ सकते हैं बात को कोर्स खत्म होने से पहले आप रीडिंग करना शुरू कर देते हो और रीडिंग एक्यूरेट होना शुरू हो जाती है आपकी कैसे क्यों होता है ये इतनी जल्दी बिकॉज टैरोस इज बेस्ड ऑन पिक्चर्स एंड योर सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो वर्क ऑन पिक्चर्स हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो पिक्चर्स को समझता है उसको पिक्चर्स सबसे जल्दी याद हो जाती हैं टैरो का जो कोर्स होता है वो आपको कार्ड्स की यू नो स्टोरीज बताता है ये पिक्चर है सो वो जो स्टोरी आपके माइंड में जा रही है ना वो पिक्चर को देख के जा रही है तो वो एकदम से आपके सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में सीप हो जाती है सीप इन हो जाती है इसीलिए ये कोर्स इतनी जल्दी आ जाता है क्लियर यस सो आई थिंक आई हैव कवर्ड वॉट इज टैरो हाउ डज इट वर्क वॉट आर व्हाट इज ज्योतिष यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन शैल वी मूव अड इसके बाद बात करेंगे हम मिथ्स ऑफ टैरो कार्ड्स आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा है जो भी सब्जेक्ट एक्चुअली जो भी चीज पॉपुलर होने लगती है ना तो उसके साथ उतने ही उसके बैगेजेस आ जाते हैं उसके साथ उतना ही उसके मिथ्स आ जाते हैं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लोग उसको थोड़ा सा अनअप्रोचेबल बनाने के लिए उसमें बहुत सारे टैंड्रम्स लगा देते हैं राइट सो बहुत सारे मिथ्स टैरो में भी है सबसे पहला मिथ है यू कैन नॉट यूज इट फॉर योर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम सीख के क्या करेंगे हम खुद के लिए तो यूज ही नहीं कर सकते सो so, ऐसी कोई चीज आपने दुनिया में देखी है जो आप दूसरों के लिए कर सकते हो और खुद के लिए नहीं कर सकते ऐसा कोई डॉक्टर होता है जो खुद को बुखार की दवाई ना दे सके इट इज टोटली अ मिथ मैं स्टूडेंट्स को एनकरेज करती हूँ हमेशा कि सबसे पहले खुद पे यूज करो जब तुम्हारे लिए सच होगा तभी तो तुम्हें यकीन होगा कि ये सट एक्चुअली वर्क अदरवाइज क्या करोगे क्लाइंट्स के फीडबैक का वेट करोगे कि हाँ जब कोई क्लाइंट आके बोलेगा कि सही था तब मुझे पता लगेगा भाई टैरो कार्ड सच होते हैं कि नहीं होते It doesn't work like that. Use it for yourself. Use it for your children, your husband, your family, and see what they are saying is right or not. Right? So this is totally a myth. Second myth is that you cannot buy your tarot deck. Right? So, people say that Western that it has to be gifted. भाई इंडिया में तो कोई किसी को टैरो गिफ्ट करने की सोच नहीं सकता यू you नो know? आप समझ सकते हो तो फिर इंडिया में तो कोई पड़ेगा ही नहीं टैरो वेट ही करते रहेंगे कि जब गिफ्ट आएगा तो मैं पढ़ना शुरू करूंगा खुद तो मैं खरीद नहीं सकता एब्सोल्यूटली रबिश आपका जो डेक चाहे जो डेक आपको अट्रैक्ट करता है वो जाइए खरीदिए पढ़िए कोई भी सच्चाई नहीं है स्मिथ में ठीक है थर्डली बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जब मैं रीडिंग करता हूं तो मैं बीमार हो जाता हूं मेरे सर में दर्द हो जाती है दूसरे की नेगेटिविटी मेरे में आ जाती है है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी ये कंप्लेन होती है सो so, इसकी ये मिथ है ऐसा हो नहीं सकता रीडिंग करने से किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ जब आपकी जो बॉडी होती है इट इज बैलेंस्ड आपके चक्रास जब बैलेंस्ड होते हैं तो जब भी आप यूनिवर्स से कनेक्शन करते हो ना क्योंकि तो, आप, तो आपकी बॉडी उसको झेल पाती है राइट वेन यू आर बैलेंस्ड वेन यू आर इन अ गुड स्टेट देन यू कैन कनेक्ट टू द यूनिवर्स बट जब आपकी बॉडी बहुत वीक है आपके खुद के चक्रास में बहुत ब्लॉकेजेस है आप खुद एक स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जीते तो जब भी आप कॉस्मिक कनेक्शन ट्राई करते हो बीट टैरो बीट चक्रबा एनी थिंग दैट शूड डू आप कॉस्मिक कनेक्शन ट्राई करते हो तो आपकी बॉडी इतनी वीक है कि वो उसको झेल नहीं पाती आपको सर दर्द हो जाता है आपकी तबीयत खराब हो जाती है सो so, अगर आपको रीडिंग्स करते वक्त ये प्रॉब्लम आ रही है ना सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट स्टॉप डूइंग द रीडिंग्स अपने ऊपर पहले काम करो अपनी बॉडी को पहले बैलेंस करो उसमें क्लाइंट की कोई गलती नहीं है क्लाइंट की कोई नेगेटिविटी आप पे नहीं है जो भी इंसान इस लाइन में आएगा ना उसको इतना आता होगा कि खुद को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए दूसरों की नेगेटिविटी से क्रिस्टल्स भी आते हैं और लॉकिंग भी होती है आप लोग एनर्जी हीलिंग सीखते हो उसमें और अपनी और किसी की भी नेगेटिविटी आपको छू ही नहीं सकती सो so, ये सब चीजें क्लाइंट से रिलेटेड नहीं है ये आपकी बॉडी से रिलेटेड है अगर आपकी बॉडी वीक है देन यू विल हैव दीज प्रम्स ओके सो इट इज क्लियरली अ मिथ की रीडिंग करने से आप बीमार हो गए रीडिंग करने से आप बीमार नहीं हो गए राइट उसके बाद एक मिथ होता है कि जब तक आप टैरो के माथे पे बड़ी सी बिंदी ना देखो एंड यू you नो know, करली करली बाल ना देखो और उसने एक बैंडन ना बांधा हो चेन्स ना पहनी हो क्रिस्टल्स ना पहने हो तो फिर रीडिंग अच्छी नहीं होगी क्या मेरे से कई स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम हम तो बहुत सिंपल है हम रीडिंग नहीं कर पाएंगे क्या सो दीज थिंग्स केन नॉट इफेक्ट योर रीडिंग दे कैन इफेक्ट योर लुक्स दे कैन इफेक्ट हाउ यू इन्फ्लूएंस योर क्लाइंट कई बार होता है शो ऑफ इट वर्क है ना सो इट कैन इन्फ्लुएंस योर क्लाइंट इन अदर वेज बट इट कैन नॉट इफेक्ट योर रीडिंग योर रीडिंग कैन बी इफेक्टेड बाय सर्टन थिंग्स लाइक क्रिस्टल्स एंड ऑल दैट विच वी टीच इन द कोर्सेज बट नॉट बायोर अपियरेंस ठीक है आप बिल्कुल सिंपल रहकर भी रीड कर सकते हो और आप पचास क्रिस्टल्स पहन के भी रीड कर सकते हो मालाएं पहन के बाल बिखरा के बिंदिया लगा कुछ भी करके रीडिंग कर सकते हो रीडिंग सेम रहेगी राइट यस, देर आर सर्टन दैट आर टू बी फॉलोड वेन यू आर रीडिंग वो फॉलो करने ही पड़ते ओके याद है बाकी अगर आप कोई मिथ्स के बारे में पूछना चाहते हो कि आपको ये आपने सुना है एंड यू वॉन्ट क्लैरिफिकेशन ऑन दैट यू फ्री टू ask me regarding any myths that you have heard or you want clarification on that किसी को भी है तो वो पूछ सकता है क्लियर है आगे चले यस सुमेधा यू रेज योर हैंड हेलो या हाय मैम मैम ये रीडिंग करते हुए जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि कुछ क्रिस्टल आप अपने पास रख लो हाँ। सो देट अगर आप किसी को चाहे तो बिल्कुल ठीक होती है ये बात क्रिस्टल्स में बहुत पावर होती है क्रिस्टल्स में पावर होती है इस बात में कोई दो राय नहीं है और इसीलिए मैं अपने कोर्स में क्रिस्टल्स के बारे में आपको पढ़ाती हूँ कौन सा क्रिस्टल किस चीज के लिए काम आता है कैसे हम उसको यूज करते हैं कैसे हम उसको आ, रीडिंग के लिए कौन से यूज होंगे रीडिंग को एनहांस करने के लिए नेगेटिविटी ब्लॉक करने के लिए कौन से यूज सारी चीजें पढ़ाई जाती है ओके तो मैम हाँ मैम जैसे कुछ लोग तो रॉक क्रिस्टल्स रख लेते हैं टेबल पे अगर बाई एनी चांस अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं ऑन द वे हैं किसी ने हमें हमसे पूछ लिया कंसल्टेशन ले ली उस वक्त तो वी कैन नॉट कैरी आर टाइम ना तो हम यू कैन कैरी क्रिस्टल नहीं यू कैन कैरी क्रिस्टल यू कैन कैरी क्रिस्टल माला यू कैन कैरी क्रिस्टल ब्रेसलेट किसी भी रूप में क्रिस्टल तो किसी भी रूप में यूज किया जा सकता है ना नॉट नेली रॉक्स ओके टम्बल्स भी आते हैं टम्बल्स कैरी कर लेंगे ठीक है ग्रेट ठीक है मैम ओके okay जी मैम इसमें वास्तु आल्सो इज़ कनेक्टेड नो नॉट एट ऑल हैज़ नथिंग टू डू विद वास्तु नो व्हेन यू गिव रेमेडीज इन दैट वास्तु विल देखिए क्या होता है ना टैरो कार्ड्स की अपनी कोई रेमेडीज नहीं होती टैरो एज अ सब्जेक्ट हैज नो रेमेडीज टैरो में सिर्फ गाइडेंस होती है ओके okay? सो so, बट हमने अपने कोर्स में मैंने मतलब अपने कोर्स में रेमेडीज डाली हुई है मैं कैसे देती सिखाती हूँ रेमेडीज पहले तो क्रिस्टल से सिखाती हूँ राइट सेकेंड देन आई टीच वेदिक रेमेडीज एस्ट्रोलॉजी से जो मैंने ली हुई है देन आई टीच सम वास्तु एंड न्यूमेरोलॉजी रेमेडीज मिक्स ऑफ ऑल रेमेडीज होता है क्योंकि इंडिया में जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो लोग रेमेडीज तो मांगते ही है राइट सो so, इसलिए आई टीच देम बट अगर आप सच्चाई पूछोगे तो टैरो एज अब्जेक्ट डज नॉट है

आप मुझे बोलते हो कोई बोलता है भाई मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया यू डू अ टैरो स्पेल दैट ही कम्स बैक ठीक है अगर आप कर ही सकते हो टैरो स्पेल तो आप बॉयफ्रेंड पे ही कराओगे सीधा कंट्री के प्राइम मिनिस्टर पे कराओ ना कि जो आपको चाहिए वहीं से हो जाए मैनेज इफ यू कैन मेक योर टैरो स्पेल वर्क सी थिंग्स लाइक दीज दे आर टैंट्रम्स दे डोंट वर्क आप कोई लॉजिकल बात करोगे ये वही वाली बात है जैसे एक उपाय है एस्ट्रोलॉजी का जो बहुत चलता है आजकल यूट्यूब में कि आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो आप एक ताला लो उसमें चाबी लगाओ लॉक कर दो ठीक है और उसको किसी चौराहे पे जाके रखाओ एंड देन दैट एस्ट्रोलॉजर से जब कोई इंसान उस ताले को उठाएगा और वो चाबी खोलेगा ना तो आपकी किस्मत की सारे जो लॉक्स हैं वो खुल जाएंगे अब आप मुझे बताओ डू यू थिंक इट मेक सेंस भाई मुझे नहीं समझ में आता बाई बट टूच इट्स ओन वाली बात है जिसको समझ में आता है वो कर भी सकता है ओके बट आई डोंट बिलीव इन सच रेमेडीज मैं आपको जो भी रेमेडीज सिखाऊंगी इट विल नॉट बी यू नो समीज रेमेडीज वेदिक रेमेडीज दैट हैज लॉजिक एंड वास्तु की भी अगर मैं रेमेडीज आपको सिखाऊंगी तो वो उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक होगा वेन आई से दैट यू हैव टू स्लीप विद योर हेड इन द साउथ देन आई कैन गिव यू साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड इट इट इज नॉट दैट समथिंग बस मैंने कह दिया तो तुम्हें करना ही पड़ेगा

अभी आगे हम बात करेंगे टैरो अभी मार्केट में टैरो किस हिसाब से चल रहा है राइट right? सो so, आज की डेट में अगर आप टैरो देखेंगे ना मार्केट में थ्री थाउजेंड प्लस डेक्स हैं थ्री थाउजेंड प्लस मतलब डेक क्या होता है वेन आई होल्ड दीज कार्ड लाइक दिस इट इज अ डेक ठीक है दिस इज अ डेक ऑफ टैरोस सो आज की डेट में थ्री थाउजेंड प्लस डेक्स आर देयर इन द मार्केट अब ये जो थ्री थाउजेंड है इसमें से ट्वेंटी नाइन हंड्रेड फिफ्टी आर अ कॉपी ऑफ अ डेक विच इज नोन एज राइडर्स एंड वेट विच आई टीच ऑल्सो अभी हम उसके बेसिक्स करेंगे भी इस डेक की कॉपी यही है लोग क्या करते हैं थोड़ा सा कलर बदला थोड़ी सी इमेज बदली अपना नाम डाला प्रिंट करा दिया सो so इसकी कॉपीज है बाकी रेस्ट जो फिफ्टी डेक्स हैं वो है मान लो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ओशो है एंजल है ऑरिकल है ये जो डेक्स है ये इतने नए हैं कि अभी इनपे इतनी रिसर्च नहीं है कि हम इनको मान सकें प्लस दीज आर वेरी स्मॉल डेक्स लाइक थर्टी टू थर्टी एट फिफ्टी कार्ड्स एंड दे आर साइक कार्ड साइक कार्ड्स क्या होते हैं कि दे गिव यू अ मैसेज राइट प्रिडिक्शन नहीं है उसमें राइडर्स एंड वेट जो डेक है इट इज अ कंप्लीट डेक इट हैज गाइडेंसेज इट हैज मैसेजेस इट हैज प्रिडिक्शन इट हैज एवरी थिंग इन इट सो so, जो हमें अपना टैरो में बेस बनाना चाहिए बाकी आप बाद में पढ़ना चाहो जो भी डेक आपकी मर्जी है लेकिन जो बेस बनाते हैं हम टैरो में अपना वो राइडर्स एंड वेट का होना चाहिए बिकॉज ये सबसे ज्यादा रिसर्च डेक है सबसे ज्यादा यूज डेक है सबसे ज्यादा रीडर्स इसी को यूज करते हैं आप देखोगे ना किसी भी रीडर की डेक पे अगर दस रीडर की टेबल पे दस डेक्स रखे हैं तो उसमें से आपको वो जब रीड करेगा तो वो राइडर्स एंड वेट से रीड करेगा राइट राइडर्स एंड वेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं राइडर्स एंड वेट नाम है इसका राइडर्स एंड वेट ये कंसीव किया था मिस्टर ए ई वेट ने एंड ड्रॉइंग्स जो बनाई थी वो बनाई थी पैमेला कॉलमन स्मिथ 1909 में डाया था सो इट इज मोर देन अंड्रेड इयर्स अगो ठीक है सो वेल रिसर्च है बहुत अच्छे इसके प्रोडिक्शन आते हैं मैंने जितने भी डेक्स अपने लाइफ मतलब यूज किए हैं मैं 12 साल से कर रही हूँ टैरो रीडिंग सो मैंने जितने भी यूज किए है, मुझे सबसे अच्छा डेक यही लगता है सबसे डिटेल्ड है राइट सो बेस हमेशा हमको इसी से बनाना चाहिए ऑल राइट right? ये जो डेक होता है अच्छा लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर फाइव मिनट्स उसके बाद मैं इसकी थ्योरी शुरू करती हूँ ओके सो

ये हर कार्ड में होगा एवरी कार्ड ऑल सेवेंटी एट कार्ड जब आपको ये सिंबल दिख जाए तो आप समझ सकते हैं कि दिस इज माई ओरिजिनल डेक और वैसे डेक लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है एमेजॉन फ्लिपकार्ट हर जगह मिलता है मेरे सारे स्टूडेंट्स लेते हैं ओरिजिनल होता है राइट बिकॉज बुक शॉप्स वगैरह में ये इतनी ईजिली मिलते नहीं है है ना बहुत पुरानी जैसे सीपी वगैरह आप डेली में है ओम बुक शॉप्स वहां पे मिल जाए तो अलग बात है अदरवाइज जनरल बुक शॉप्स वगैरह में नहीं मिलता सो यू कैन ईजिली ऑर्डर ऑन एमेजॉन फ्लिपकार्ट एंड ऑल दीज थिंग्स राइट यस यू वेलकम छवि एनी अदर क्वेश्चन I have another question. Sorry yes. <laughs> for my uh, voice. So actually, I wanted to ask like I have seen many cards. There is a difference between quality. Like some are thick, some are thin. So does that mean like the thin ones are basically fake or is there any difference in that? देखो अगर thin है, कई बार क्या होता है जब हम publish करते हैं, print करते हैं, करतो machines ही रही हैं, है ना? कई बार problems हो जाती है, color भी कई बार थोड़ा सा blot हो जाता है। अगर आपको ये सिंबल उसमें दिख रहा है यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड इट इज ओरिजिनल ठीक है okay, okay, हाँ, original, अगर सिंबल है तो वो ओरिजिनल फिर आपको चिंता की कोई बात आई वॉन्टाउटलीर आर मेनी पीपल टॉकउट ये ओरिजिनल डेक है ओरिजिनल डेक को आप सिंबल चेक कर लीजिए आपको पता लग जाएगा ओरिजिनल थैंक यू एनीबडी wants टू ask something? Then it is 12. After every one hour, we'll take a five minutes break so that we can quickly take a walk or have water or whatever you want to. And then we'll continue. Okay. I am leaving the meeting on. Everything is on. You don't need to disconnect and connect again. Isi meeting we'll connect five minutes. Ke baad connect karen. You all right? राइडर्स एंड वेट जो डेक होता है जो हमने चूज किया है अपने बेसिक जिसको हमने बेस डेक बनाया अपना इस डेक में सेवेंटी एट कार्ड्स होते हैं राइट दीज सेवेंटी एट कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू टू आर्कनाल्स वर्ड हमने यहां पे क्या दिया है इसको आर्कना आर्कना का मतलब होता है मिस्ट्री मिस्ट्री क्यों है जिस चीज को आप जानते नहीं हो आप जानना चाहते हो ऑब्वियसली इट इज अ मिस्ट्री फॉर यू राइट देर आर टू आर्कनास फर्स्ट इज मेजर सेकेंड इज माइनर मेजर आर्कना इज नंबर्ड फ्रॉम जीरो एंड इट गोज ऑन टिल ट्वेंटी वन नंबर विच मीन्स द टोटल इज ट्वेंटी टू कार्ड्स मेजर आर्कना अ टोटल ऑफ ट्वेंटी टू कार्ड्स सेवेंटी एट माइनस ट्वेंटी कार्ड सो सबसे पहले हमें यही समझना है क्या अंतर है दोनों क्यों अलग रखी है हमने राइट सो जो मेजर आर्कना होता है दैट डिपिक मेजर इंसिडेंट्स ऑफ योर लाइफ मेजर इवेंट्स ऑफ योर लाइफ बड़े बड़े जो चीजें होती हैं आपकी लाइफ में वो मेजर आर्कना से हम दिखाते हैं मेजर आर्कना जो होता है बहुत डिटेल्ड होता है एक एक कार्ड में बहुत इंटरप्रिटेशन होती है इसको बहुत डिटेल में हमको पढ़ना पड़ता है एंड दीज आर नॉट रिलेटेड टू वन अनादर ये एक दूसरे से इनका कोई रिलेशन नहीं होता सब इंडिविजुअल कार्ड है राइट और कैसे हम इनको पहचान सकते हैं कि ये मेजर आर्कना का है इनके नीचे इनका नाम लिखा होता है आप देखेंगे द हर्मिट राइट ल ऑफ फॉर्च्यून स्ट्रेंथ नाम लिखा है ना सब में नीचे विच मीन्स आपको समझ आ जाएगा द एम्प्रेस की ये मेजर आर्कना के कार्ड्स हैं और आप देखेंगे कलर्स भी बहुत सारे यूज किए हुए हैं इमेज भी बहुत सारी है या लेडी बैठी है यहां भी साइन बना हुआ है यहां व्ही टूकता हुआ दिखाया है नेचर दिखाया देर आर लॉर्ड ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन मेजर कार्ड राइट एंड दे डिपिट मेजर इंसिडेंसेस मेजर इवेंट्स मेजर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ और क्योंकि अगर आप रियलाइज करोगे तो मेजर एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के कम है है ना मेजर चीजें कम होती हैं हर साल हमारे जीवन में कुछ लाइफ चेंजिंग नहीं होता दस सालों में एक साल आता है जब लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है राइट इसीलिए मेजर काज कम है बाइस है रोजमर्रा का जो हमारा जीवन होता है वो माइनर कार्ड से डिपिक्ट किया जाता है इसीलिए माइनर काज ज्यादा है क्योंकि जनरली तो हमारी लाइफ नॉर्मल जैसे चल रही है वैसे ही चलती है राइट सो माइनर जो होते हैं ये इफेक्ट में कम होते हैं ये इतने बड़े इवेंट्स को नहीं दिखाते दीज आर माइनर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ ठीक है मेजर आर्कना जो होता है इट इज अ वेरी डिटेल्ड थिंग स्टार्टिंग ईच कार्ड एक कार्ड होता है उसके सेवन एस्पेक्ट होते हैं तो टोटल हम एट एस्पेक्ट पढ़ते हैं एक कार्ड में सो so ये बहुत डिटेल्ड होते हैं इनकी हम क्लासिफिकेशन भी नहीं कर सकते ग्रुपिंग नहीं कर सकते एज क्योंकि हम मैंने आपको बताया ये रिलेटेड नहीं होते एक दूसरे से राइट बट माइनर फिफ्टी सिक्स जो है इनको इंडिविजुअली पढ़ने से पहले हमें इनकी ग्रुपिंग पढ़नी पड़ती है इनको क्लासिफाई करना पड़ता है अलग अलग ग्रुप्स में सो so दैट हम पढ़ सके इनको हमें समझ में आ सके राइट सो आई विल नाउ मूव ऑन टू दैट ग्रुपिंग माइनर आर्कना जो होता है इट इज डिवाइडेड इनटू फोर सूट्स फर्स्ट इज कप्स सेकंड इज वॉन्ट्स थर्ड इज स्वर्ड्स एंड फोर्थ इज पेंटिकल अभी देखिए हमारे पास टोटल कितने थे फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाय फोर हो गए हर सूट को कितना मिला चौदह चौदह कार्ड राइट right? सबको मिल गए ना फोर्टीन फोर्टीन अब सबसे पहला सवाल आप करोगे कि कैसे पहचानूंगा मैं कौन सा कप्स है कौन सा वॉन्ड है कौन सा है है कौन सा पेंटिकल्स हाउ विल आई दिस सो वी हैव अ मेथड फॉर दैट कप्स में अभी मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा ऐसे एक कप बना होगा का का मतलब होता है लकड़ी टुकड़ा तो ऐसे उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा बना होगा का मतलब है तलवार ऐसे उसमें तलवार बनी होगी एंड पेंटिकल्स में ऐसे एक स्टार बना होता है आई विल शो यू सी दीज आर वॉन्ड्स इफ यू कैन सी ये वॉन्ड्स बनी हुई है इसमें कैन यू सी राइट देन वी हैव पेंटिकल्स देखिए स्टार बने हुए हैं right? स्टार बनी हुए, ये स्टार्स बने हुए हैं दीज आर पेंटिकल्स तो आपको देखते ही पता लग जाएगा ये पेंटिकल्स का सूट है राइट देन वी हैव स्वर्ट्स डीज आर स्वर्ट्स न सी द स्वाद स्वाद्स हैं राइट सो दीज आर स्वाद्स एंड वॉट आर वी लेफ्ट विथ कप्स सो दीज आर कप्स कप्स बने हुए हैं सो so ये चारों को इस तरीके से हम पहचान जाते हैं देख के अगर कप्स बनाए तो वो कप्स का सूट है वॉन्ड्स बने है तो वॉन्ड्स का सूट है स्वाद बनाए तो स्वाद्स का सूट है पेंटिकल्स है तो पेंटिकल्स का है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल अराइज क्यों हमने डिवाइड कर दिया इनको ये क्या बताने वाले हैं हमको राइट सो कप्स के जो कार्ड होते हैं दे टॉक अबाउट योर इमोशंस अबाउट योर रिलेशनशिप्स चौदह के चौदह कार्ड्स आपके रिश्तों के बारे में बात करेंगे आपके इमोशंस के बारे में बात करेंगे ऑल राइट right? वॉन्ट्स जो होते हैं ये आपके एक्शन के बारे में बात करते हैं स्पेशली विच आर रिलेटेड टू योर करियर करियर रिलेटेड एक्शन जो आपके होते हैं वो हमें वॉन्ट्स बताते हैं नेक्स्ट इज स्वॉट्स ये बताते हैं हमें आपके थॉट्स आपकी सोच क्या है और थॉट्स से बनती है हमारी ईगो थॉट्स में आता है ना मेरे में इतना ज्ञान मेरे पास ये वाली गाड़ी मेरे पास इतना पैसा सो so, थॉट्स से बनती है हमारी ईगो एंड पेंटिकल्स बताते हैं मटीरियलिस्टिक चीजें मटीरियलिस्टिक चीजें जब मैंने बोला तो हर चीज वो जो आप पैसे से खरीद सकते हो आपका घर गाड़ी मकान जो भी वट एवर यू कैन बाय विद मनी राइट सो ये माइनर जो हमने सूट्स डिवाइड किए है ना ये और कुछ नहीं है ये हमने आपके जीवन को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया आपके रिश्ते आपके कर्म आपकी सोच और आपका पैसा ये आपके जीवन की चारों चीज हैं जो हमने डिवाइड कर दी क्यों डिवाइड करी है हमने सिर्फ अपने पढ़ने की सुविधा के लिए सो दैट वी कैन स्टडी देम रिलैक्सड ओके इजीली हमें समझ आ जाए जब आप पढ़ लोगे ना तो ये सब मिक्स हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा कि कप्स का जो कार्ड है वो करियर के लिए नहीं आ सकता या वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो मनी के लिए नहीं आ सकता आ सकता है तभी हमने बोला कि हर कार्ड को सेवन एस्पेक्ट्स में पढ़ना पड़ता है राइट लेकिन शुरुआत के लिए आपको डिवाइड इसलिए करके दिया है ताकि पढ़ने में हमको आसानी हो जाए जब हम एक बार बेसिक समझ जाएंगे पढ़ लेंगे तो आप कितना भी मिक्स कर लो हम आंसर कर देंगे ओके सी इमोशंस जो होते हैं आपके वो बहुत प्योर होते हैं राइट right? इमोशनली हम सब बहुत अच्छे लोग हैं हम घर से बाहर जाते हैं हमें कोई भी बैग करता हुआ बच्चा दिखता है किसी का एक्सीडेंट होते है हमें बड़ी दुख होता है हमको है ना टीवी में भी हम देखते हैं कोई गलत न्यूज आ जाती है तो हमको बड़ा दुख होता है सो इमोशनली वी ऑल आर गुड पीपल ये जो डेक ये जो सूट होता है दिस इज नाइनटी परसेंट पॉजिटिव मतलब चौदह में से दस ग्यारह का आपको पॉजिटिव मिलेंगे हार्डली दो तीन नेगेटिव होंगे कर्म एक्शंस कितने लोग कुछ करते हो हम जा रहे हैं कोई बैक करता हुआ बच्चा दिख रहा है हमने क्या कर लिया या किसी का एक्सीडेंट हो गया कितने लोग रुकते हैं मिक्स्ड होते हैं कोई रुकता भी है कोई नहीं भी रुकता सो दिस दिस डेक सूट इज फिफ्टी परसेंट पॉजिटिव फिफ्टी परसेंट नेगेटिव छह सात कार्ड्स पॉजिटिव होंगे छः सात कार्ड्स नेगेटिव होंगे सोच हमारी कलयुग में रहते हैं हम कैसी सोच है हमारी सबसे पहले नेगेटिव चीज हमारे मन में आती है कोई कोर्स ज्वाइन किया तो पहले स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं है, मैम मुझे आप आएगा पहले नेगेटिव सोच आ गई पढ़ने से पहले कि पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं आएगा कोई बिजनेस शुरू किया लॉस तो नहीं हो जाएगा कोई रिश्ता बना धोखा तो नहीं मिलेगा सो so, हमारा माइंड अब इस तरीके से ट्रेन हो चुका कि हमें सिर्फ नेगेटिविटी पहले आती है राइट इसीलिए ये जो सूट है ये नाइनटी नेगेटिव है इसमें मोस्टली कार्ड्स नेगेटिव ही है राइट right? पेंटिकल्स पैसा आपको पता है हर किसी का फेवरेट है नाइंटी परसेंट पॉजिटिव राइट सो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द माइनर आर्कना कोर्स में जो एडवांस कोर्स होता है मेरा उसमें मैं एक एक कार्ड आपका बहुत डिटेलिंग में पढ़ाती हूँ सेवन सेवन एस्पेक्ट्स में लेकिन अभी बेसिक में मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकती हूं ये ओवरव्यू है कि हमने चार सूट्स को क्यों डिवाइड किया है वो क्या बताते हैं और उनके कार्ड्स कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं क्लियर अभी तक में कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन का आपने क्या बताया नेगेटिव होते हैं मोस्टली Mostly negative. 90 राइट okay. right? आगे चलें फिर अभी देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि नंबर सिस्टम काम करता है इसमें आप बहुत कुछ सिर्फ नंबर देख के भी कार्ड का बता सकते हो अगर आपको और कोई इंटरप्रिटेशन नहीं आती आपको सिंपली सूट का एलिमेंट पता है जैसे आपको कप्स पता है कि कप्स बताएगा रिश्तों के बारे में अभी मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दूंगी नंबर पता लग जाएगा आप दोनों को मिलाओगे ना आपका बेसिक इंटरप्रिटेशन आ जाएगा अभी मैं दिखाऊंगी कैसे ठीक है सो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं ले रही हूं अभी दैट इज नंबर सिस्टम विच इज अ पोर्शन ऑफ न्यूमेरोलॉजी इट्स ओनली अ वेरी वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ न्यूमेरोलॉजी बच्चे सोचते हैं कि पूरी न्यूमेरोजी आप टैरो में पढ़ाओगे क्यों पढ़ाओगे ओनली दैट न्यूमेरोलॉजी विच इज यूज इन टैरो अदरवाइज न्यूमेरोलॉजी खुद में एक पूरा कोर्स है टैरो से भी बड़ा राइट सो नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं कि वन टू दो ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड किया है दैट इज वन टू टेन एंड इलेवन टू फोर्टीन इन सूट्स की बात कर रहे हैं हम अभी ठीक है इन सूट्स माइनर आर का है चल रहे हैं अभी दिस इज कॉल्ड वन टू टेन आर कॉल्ड पिप कार्ड्स एंड इलेवन टू फोर्टीन आर कॉल्ड कोट कार्ड ठीक है सो पहले मैं वन टू टेन ले लेती हूं एक एक करके दोनों को लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव नंबर so वन जब भी आपने देखा टैरो में कहीं पे भी चाहे मेजर आर्कना में लिखा है माइनर आर्कना नंबर वन लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा उसका मतलब होगा बिगनिंग शुरुआत किसी ना किसी चीज की आपकी लाइफ में आज शुरुआत होगी जब भी कार्ड आया मतलब तब शुरुआत होगी राइट अब आप क्वेश्चन करोगे मुझसे कैसे होगी शुरुआत कब होगी शुरुआत अच्छी होगी कि बुरी होगी लॉन्ग लास्टिंग होगी कि नहीं होगी अभी हम कुछ नहीं बता सकते जब तक कार्ड हमारे सामने नहीं है अभी हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं इट ओनली मीन्स नंबर वन आपने देखा टैरो में इट मीन्स अ न्यू बिगिनिंग क्लियर एंड सूट जो होते हैं उसमें नंबर वन में नीचे उसका नाम लिखा होता है एस अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था मेजर कार्ड के नीचे उनका नाम होता है एस कार्ड के नीचे भी उसका नाम होता है नंबर वन ऑफ दैट सूट क्योंकि वो आपको शुरुआत बता रहे हैं उस सूट की मैं दिखा देती हूँ एक कार्ड आपको एस ऑफ कप्स आप देखेंगे नीचे नाम लिखा हुआ है एस ऑफ कप्स ऐसे ही होगा एस ऑफ पेंटिकल्स एस ऑफ स्वॉर्ड्स एस ऑफ वॉर्स डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे मेजर कार्ड और इसमें मेजर कार्ड में सूट का कोई जिक्र नहीं होता ठीक है इसमें एस के साथ उसका सूट भी लिखा हुआ है तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये सूट का कार्ड है और ये मेजर कार्ड है नंबर वन है कहीं भी इट विल मीन अ बिगिनिंग नंबर टू बैलेंस कहीं भी नंबर टू देखा आपने टैरो में इट मींस दैट कार्ड विल टॉक अबाउट बैलेंस अब देखो दो तरफा हो सकता है कार्ड दोनों तरफ जा सकता है या तो आपकी लाइफ का बैलेंस बिगड़ा हुआ है या आपकी लाइफ का बैलेंस बना हुआ है वो हमें कार्ड देख के पता लगेगा लेकिन नंबर टू मतलब बैलेंस की बात होगी दिस इज कॉल्ड द इंट्रेंसिक मीनिंग आत्मा नंबर दो वाले कार्ड की आत्मा जो है वो बैलेंस की है अब आगे हम कार्ड देख के बताएंगे राइट नंबर थ्री इज नॉलेज ज्ञान अब या तो आप में ज्ञान है या आप में ज्ञान नहीं है दोनों ही चीजें हो सकती हैं लेकिन बात होगी ज्ञान की नंबर फोर इज रिस्ट्रिक्शन्स अब स्टूडेंट्स कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस तो नेगेटिव ही होते हैं वो कैसे पॉजिटिव होंगे तो जब आप में से रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगे तो वो कार्ड पॉजिटिव हो जाएगा जिस कार्ड में रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगा नंबर फाइव इज कम्युनिकेशन या तो आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन है हम बात कर रहे हैं या फिर हमारे बीच में कम्युनिकेशन नहीं है हम बात नहीं कर रहे सो पॉजिटिव so, भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है राइट नाउ स्टूडेंट्स आस्क मी आई विल टेक योर क्वेश्चन रिचा मेरे को थोड़ा सा कवर करने दो मैं फिर आपका क्वेश्चन लेती हूँ स्टूडेंट्स आस्क मी ये आप कहां से ला रहे हो मीनिंग्स आपने नंबर वन को बिगनिंग क्यों बोला बैलेंस क्यों नहीं बोला नंबर टू को बिगनिंग क्यों नहीं बोला हाउ डू वी डिसाइड कि यही क्वालिटीज होंगी और कुछ नहीं होंगी सो बेसिकली कहां से ये डिसाइड हुए न्यूमेरोलॉजी से लिया गया आपको पहले बताया था न्यूमेरोलॉजी में कैसे डिसाइड होता है हर जो नंबर होता है ना वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा होता है राइट right? हर चीज वाइब्रेशन कर रही है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जिस नंबर की वाइब्रेशन जिस प्लैनेट से मिलती है उस प्लैनेट की क्वालिटी उसको दी जाती है ठीक है सो नंबर वन जो है ये वाइब्रेट करता है सन की वाइब्रेशन पे सो so, इसीलिए इसको हमने क्वालिटी दी बिगनिंग सूरज जो है एक नई शुरुआत का सबसे बड़ा प्रतीक है आप बोलते हो रात कितनी भी काली हो सुबह सूरज तो निकलेगा ही निकलेगा सो सन न्यू बिगनिंग नंबर टू इज मून मून से बड़ा बैलेंस का कोई एग्जांपल नहीं घटता है बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है बढ़ता है, गड़ता है बैलेंस बना रहा है नंबर थ्री इज जुपिटर गुरु और गुरु से ज्यादा ज्ञान किसमें सो so, गुरु को हमने क्या क्वालिटी उठाई नॉलेज नंबर फोर इज राहु। अब आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट राहु, बट जो राहु प्लैनेट नहीं होता ये इट इज अ शैडो प्लैनेट और माइथोलॉजिकली जो राहु है ना उसके पास सिर्फ सिर है धड़ नहीं है राइट तो उसके वो सिर्फ सोच सकता है इंप्लीमेंट नहीं कर पाता नंबर चार इसलिए रिस्ट्रिक्ट हो जाता है राइट सो नंबर फोर की जो हमने क्वालिटी उठाई वो उठाई रिस्ट्रिक्शन नंबर फाइव इज कम्युनिकेशन ये है प्लानिट मोक्यूरी बुद्ध जो होता है हमारी वाणी का कारक है कम्युनिकेशन का कारक होता है क्लियर यस हु वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन सुमन आप पूछ रहे थे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था रेज हैंड किया था प्लीज हाँ हाँ बोलो बोलो मैम uh, ने बताया ना कि uh, ये रेस्ट्रिक्शन uh, है बट फोर ऑल्सो टॉक्स अबाउट फाउंडेशन राइट बिकॉज फोर ऑफ वॉन्ट्स है इज अ वेरी कार्ड एंड फोर का इससे कोई लेना है मैं आपको बताती हूँ अभी मैंने आपको बताया कि जो जब हम बात करते हैं कार्ड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है है ना So, अगर आप पे रिस्ट्रिक्शन लगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन हटे तो पॉजिटिव आपने बात करी फोर ऑफ वॉर्न की फोर ऑफ वार्न क्या बताता है कि आपके करियर पे से सारे रिस्ट्रिक्शन हट चुके हैं और अब आप सेलिब्रेट कर रहे हो दैट इज द जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट कार्ड सो इट कैन ऑल्सो टॉक ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इट इज नॉट दैट कि वो सिर्फ लगने की बात करेगा राइट right? दोनों तरफ जा सकता है It's about about celebration celebration. also, no man? Yes, four, of wands is not number four four. of of Wands Wands is is not number आपको बताया ना कि पूरा जो मीनिंग होगा वो निकलेगा कार्ड की इंटरप्रिटेशन से अभी हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं कि नंबर क्या बताएगा All right. yes. और कौन पूछ रहा था

करेंगे वो भी आपको हाँ पर चीक पहले चीक बेसिक पढ़ें तो सही हाँ जी प्लीज कह रही नंबर फाइव right? okay, तक हो गया अभी हम आगे चलते हैं सिक्स टू टेन नंबर एट नाइन टेन नंबर सिक्स टॉक ऑफ लग्जरीज ठीक है जब हम बात करते हैं ना लग्जरीज अगर आप नंबर सिक्स की न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से इंटरप्रिटेशन बताओगे तो पेजेस बढ़ जाएंगे पेजेस मतलब भर जाएंगे इतनी इंटरप्रिटेशन होती है बट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट व्हाट इट मींस इन टैरो नॉट इन न्यूमरोलॉजी ओके सो नंबर सिक्स मीन अब जब आपको मिलेंगी तो वो कार्ड पॉजिटिव है जब आपसे तो वो कार्ड नेगेटिव है राइट नंबर सेवन इज कंफ्यूजन डाउट किसी कार्ड में आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे किसी किसी कार्ड में कंफ्यूजन हो जाएंगे सो so, दोनों तरफा जा सकता है कार्ड नंबर एट इज स्ट्रगल एंड सक्सेस पहले बहुत सारा स्ट्रगल उसके बाद सक्सेस फॉर श्योर नंबर एट एक बेचारा अकेला ऐसा नंबर है जो आपको ये कहता है कि अगर आप स्ट्रगल करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी राइट right? कौन से प्लानिट का नंबर होता है ये सैटन राइट सैटन नंबर नाइन इज स्ट्रेंथ एंड करेज मतलब या तो आप में स्ट्रेंथ एंड करेज है या आपको स्ट्रेंथ एंड करेज की रिक्वायरमेंट है दोनों में से कार्ड बताएगा क्या है नंबर टेन इज कंप्लीशन नंबर टेन जो होता है ना उसमें कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा या तो आप कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाओगे या कंप्लीटली फेल हो जाओगे या तो ऊपर या तो नीचे बीच में कुछ नहीं है यहाँ एंड देखेंगे अगर आप तो नंबर वन में नंबर नंबर टेन में नंबर वन भी होता है इसका मतलब कंप्लीशन के बाद एक नई बिगनिंग भी होती है ओके? Okay? सो so ये जो होंगे, 10 वाले जो कार्ड्स कार्ड्स होंगे होंगे, नंबर वाले इनमें कुछ चीजें कंप्लीट होंगी आपकी लाइफ में और कुछ नई शुरुआत भी होगी आपकी लाइफ में राइट नंबर सिक्स होता है प्लानिट कॉन्सेंस इससे रेजोनेट करता है सिग्निफिकेटर ऑफ लक्ष नंबर सेवन इज केतु केतु राहु केतु जो होते हैं ये एक ही राक्षस के बॉडी पार्ट एंड मतलब बॉडी है जिसको विष्णु जी ने चक्र चला के धड़ से अलग कर दिया था तो उसका सर जो है वो राहु हो गया था और जो उसका धड़ है वो केतु हो गया था सो so, केतु जो है कंफ्यूज क्यों रहता है क्योंकि उसके पास दिमाग ही नहीं है, है ना बॉडी बॉडी है धड़ है सो दैट इज वाई वी से नंबर सेवन इंडिकेट्स कंफ्यूजन एंड डाउट्स नंबर इज इज सैटर्न सैटर्न एंड नोन टू बी द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट धीरे धीरे चलता है इसलिए बहुत सारी आपकी लाइफ में स्ट्रगल है लेकिन अच्छी बात मुझे इस प्लैनेट की ये लगती है कि ये सक्सेस फॉर श्योर देता है और कोई प्लैनेट ये नहीं बोल रहा आपसे कि सक्सेस पक्का मिलेगी ये बोल तो रहा है कम से कम तो आज की डेट में तो इतना ही काफी है सो नंबर एट इज नॉट नेसेसरली अ नेगेटिव नंबर बहुत लोग नंबर फोर और एट से डरते हैं सो so, रोजी में मैं बताती हूँ पूरी इसकी इंटरप्रिटेशन की चार और आठ डरने के नंबर नहीं है नंबर जिनके लिए लकी प्रूव होता है ना उनको बहुत हाइट्स पे लेके जाता है राइट right? सो so, हर किसी के लिए अपने अलग अलग नंबर्स होते हैं ऐसे कॉमनली हम डिवाइड नहीं कर सकते कि ये नंबर नेगेटिव है ये नंबर पॉजिटिव है नंबर नाइन होता है मार्स का मार्स इज यू नो नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड करेज रेड फ्योरी मार्स प्लानिट बोलते हैं हम इसको सो नंबर नाइन इज स्ट्रेंथ एंड करेज नौ ही प्लेनेट होते हैं हमारे पास उसके पास जितने भी नंबर्स हैं सब रेपिटेशन है ओके सो दिस इज नंबर वन टू नंबर टेन नोन एज पिप कार्ड्स इंट्रिंसिक मीनिंग मैंने आपको बताए हैं कि आत्मा क्या है नंबर की राइट अभी आप देखोगे मजे की बात ना सूट्स पे अगर आप अप्लाई करोगे तो इतने अच्छे से अप्लाई होते हैं ये आई विल शो यू

ये कार्ड आएगा, आएगा। आपके जिंदगी में कोई ना कोई नया रिश्ता शुरू हो जाएगा राइट right? इसके अलावा बहुत बड़ी इंटरप्रिटेशन है इसकी बट वील नॉट गो इन टू दैट राइट नाउ देखिए नंबर सिक्स दिख रहा है ना नंबर सिक्स मीन्स लग्जरीज एंड वर्ड मीन्स करियर आप कार्ड को देखो आपको साफ साफ दिख जाएगा आपको करियर में स्टेटस बढ़ रहा है करियर में स्टैटस कैसे बढ़ता है जब आपको बिजनेस में प्रॉफिट होते हैं या जॉब में प्रमोशन होता है राइट right? ये कार्ड आएगा आपका प्रमोशन करा देगा आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी आपके जीवन में सैलरी बढ़ जाएगी लग्जरीज बढ़ जाएंगी बिजनेस में प्रॉफिट हो जाएगा क्लियर सो सूट कार्ड्स आर वेरी इजी टू इंटरप्रेट बट आपको वो देखना आना चाहिए वो कनेक्शन करना आना चाहिए क्लियर वन टू टेन समझ आ गया एनी क्वेश्चन इफ यू हैव यू कैन रेज योर हैंड और अनम्यूटेंट स्पीक नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे ओके okay, पूजा सो वन टू टेन हमने इसमें कर लिया नेक्स्ट वट वी हैव इज नंबर इलेवन टू फोर्टीन जिसको हम बुलाते हैं टैरो में पोर्ट कार्ड म्यूट ल्फ जिसके यहां से भी डिस्टर्बेंस आ रही है विच आर कॉल्ड कोर्ट कार्ड ये बड़े इंपॉर्टेंट कार्ड होते हैं मेजर कार्ड सबसे ज्यादा इफेक्टिव सबसे ज्यादा बड़ा जो चेंज दिखाते हैं बड़े जो होते हैं एस्पेक्ट में वो होते हैं मेजर कार्ड्स ठीक है मेजर के बाद होते हैं कोर्ट कार्ड कोर्ट कार्ड जो है ये सूट का ही हिस्सा है अलग से नहीं है सूट्स के हिस्सा है ये इलेवन टू फोर्टीन जो होते हैं सूट्स में उनको हम कोर्ट कार्ड बोलते हैं कोर्ट कार्ड्स के बाद होते हैं पिप कार्ड्स ठीक है ये इनकी सीरीज है इनको हम कितना सीरियसली लें सबसे ज्यादा सीरियस मेजर कार्ड उससे कम कोर्ट कार्ड उससे कम पिप कार्ड so ये होते हैं जी आपके इलेवन नंबर नहीं लिखा होता इनका नाम लिखा होता है सो so तीसरी चीज मैं आपको बता रही हूं जिसमें नाम लिखा होता है पहली कौन सी थी मेजर कार्ड्स दूसरी कौन सी थी एस कार्ड्स और तीसरी कौन सी है कोर्ट कार्ड्स ठीक है क्या नाम है इनके नंबर इलेवन का नाम है पेज नंबर ट्वेल्व का नाम है नाइट नंबर थर्टीन का नाम है क्वीन और नंबर फोर्टीन का नाम है किंग अभी मैं आपको दिखा रही हूं आपको क्लियर हो जाएगा दिस इज पेज ऑफ स्वॉट्स दिस इज नाइट ऑफ स्वॉट्स क्वीन ऑफ स्व एंड किंग ऑफ स्व चार ऑफ स्वॉड्स के कोर्ट कार्ड्स हैं ऐसे ही आपके पास होगा पेज ऑफ पेंटिकल्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसे ही कोर्टकार्ड होंगे चार कप्स के चार बॉन्ड्स के चार चार कोर्ट कार्ड्स हर सूट में होते हैं ठीक है इसको कोर्ट कार्ड्स को रॉयल फैमिली ऑफ टैरो भी बोला जाता है कई कई जगह पे आप देखोगे कोर्ट कार्ड नहीं लिखा होगा रॉयल फैमिली लिखा होगा रॉयल फैमिली ऑफ क्योंकि जो पेज होता होता है ये है 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 ये ये राजकुमार नाइट सेनापति क्वीन आपको पता है रानी होती है और किंग राजा होता है राइट सो दिस इज द रॉयल फैमिली अब इनका मीनिंग क्या है इनकी इंट्रेंसिक क्वालिटी क्या है जैसे नंबर वन टू टेन की थी ऐसी ही इनकी भी होती है नंबर इलेवन पेज की इंट्रिंसिक क्वालिटी क्या होगी एक राजकुमार कैसा होता है पहले अच्छी बात कर लेते हैं यंग एंड एनर्जेटिक राइट बट इमेच्योर्ड इसिबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वो भागता है फ्रीडम लविंग होता है राइट फ्रीडम लविंग एंड लो इन डिसीजन मेकिंग डिसीजन लेने नहीं आते उसको राइट right? सो so, सारे पेज में ये क्वालिटी आपको जरूर मिलेंगी ये जो सारी है उसके ऊपर हमको कार्ड और भी चीजें बताएगा लेकिन सब में कॉमन क्वालिटी ये होगी कि यंग एंड एनर्जेटिक होंगे इमेच्योर्ड होंगे इन होंगे फ्रीडम लविंग होंगे और लो इन डिसीजन मेकिंग होंगी बेसिकली आप कह सकते हो पंद्रह से बीस साल के जो बच्चों वाली थिंकिंग होती है, है ना पंद्रह से बीस साल में जो बच्चे होते हैं क्या होता है उनको सिर्फ घूमना फिरना ऐश करना अपनी मौज करने से मतलब है कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी कोई फैसले नहीं लेने किसी को जवाब दे नहीं देनी उसी तरीके का एक राजकुमार होता है क्लियर नेक्स्ट इज नाइट नाइट होता है आपका सेनापति वेरी मेच्योर्ड करेजिस गुड इन डिसीजन मेकिंग जब वो फाइट करने जाएगा वॉर पे जाएगा तो बार बार राजा से पूछने थोड़ी ना आएगा क्या करूं क्या करूं उसको खुद फैसले लेने पड़ेंगे राइट रिस्पॉन्सिबल बेसिकली ये एज होती है वो तीस से पैंतीस वाली जब हम फेलियर्स भी देख चुके होते हैं हम पे शादी भी हो चुकी होती है बच्चे भी हो चुके होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ चुकी होती हैं, थोड़े थोड़े धक्के हम देख चुके होते हैं थोड़ी थोड़ी हम सक्सेस देख चुके होते हैं सो so, कहते हैं कि जिंदगी के थपेड़े खा के हम मेच्योर हो गए So, ये वो वाली एज को दिखाता है जो नाइट होता है ये एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है क्लियर नेक्स्ट क्वीन क्वीन रानी कैसी होती है रानी फेमिनिन होती है ममता से भरी हुई स्टेबिलिटी होती है रानी में एक बार रानी बन गई तो वो चाहे राजा आप सौ शादियां और कर ले पर ये भी रानी रहे सो वी से दैट देर इज स्टेबिलिटी इन दिस कार्ड ओके पावर तो मतलब स्टैटस तो है ही लग्जरी स्टैटस पैसा ये सबके पास है इनके पास ये कोर्ट कार्ड है रॉयल फैमिली है तो सबके पास है राइट फेमन इन स्टेबिलिटी मेच्योर्ड घर संभालती है सो ऑब्वियसली शी इज मेच्योर्ड एंड शी हैज वन वेरी गुड पावर विद वॉट इज दैट एक रानी जो होती है उसमें एक बहुत बड़ी पावर होती है कि वो एक राजा को इन्फ्लुएंस कर सकती है राइट right? खुद में अथॉरिटी नहीं है ऐसा नहीं कर सकती कि दरबार में गई और खुद ही फैसला सुना दिया या ऑर्डर दे दिया ऐसा करो ऐसा वो नहीं कर सकती बट वो एक राजा के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकती है ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी सबसे बड़ी पावर होती है राइट right? इमोशनल होती है रानी नेक्स्ट इज किंग राजा ये है बड़ा पावरफुल आदमी इसमें होती है पावर एंड अथॉरिटी इसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है उसका मन करेगा जो कर देगा तो फिर डिसीजंस अच्छे लेने आते हैं मेच्योर्ड होता है स्टेबिलिटी होती है राजा बुरा भी होगा तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे एंड प्रैक्टिकल होता है राइट सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द कोट कार्ड नाउ सी जो ये कार्ड होते हैं ना दीज आर नॉट जेंडर बेस्ड मतलब जरूरी नहीं है रानी का कार्ड हर बार औरत के लिए ही आएगा आदमी के लिए भी आ सकता है दीज कार्ड आर एनर्जी बेस्ड अगर किसी आदमी के लिए आएगा तो इसका मतलब है, वो जो आदमी है ना वो क्वीन की तरह है Feminine है उसमें ममता भरा आदमी है वो emotional है प्रैक्टिकल नहीं है पावर है पर फैसले लेना नहीं जाता मतलब authority नहीं है फैसले करने की so ये gender based नहीं होते एंड दीज आर नॉट रॉयल फैमिली वी आर टॉकिंग अबाउट आज की दुनिया में कोई राजा नहीं है कोई रानी नहीं है कोई योद्धा नहीं है ये हमें रियल लाइफ में लेके आने होते हैं रियल लाइफ में हम कैसे लाते हैं जो एक पेज होता है घर का वो इमेच्योर्ड बच्चा है जिससे माँ बाप परेशान रहते हैं माँ बाप कहते हैं देखो जी ये ना शादी करता ना काम धंधा करता ना पढ़ाई करता है सिर्फ आवारा गिरीदी करता है अपने दोस्तों के साथ पैसा उड़ाना जानता है होते हैं ना ऐसे बच्चे सो पेज जो है उस थिंकिंग को दिखाता है और जरूरी नहीं है कि पंद्रह से बीस साल का ही होगा हमेशा साठ साल के इंसान का भी आ सकता है लेकिन उस इंसान की थिंकिंग पंद्रह से बीस साल वाली होगी थिंकिंग में वो बड़ा नहीं हुआ राइट ऐसे ही नाइट कौन है घर का वो मेच्योर्ड इंसान है जो समय पे सारी जिम्मेदारियां उठाता है समय पे शादी करता है समय पे काम धंधा ज्वाइन करता है माँ बाप को देखते हुए फैसले लेता है पूरे घर को बैलेंस करके रखता है क्वीन कौन है अगर आप मैरिड हो तो आप हो नहीं हो मैरिड तो आपकी मम्मी है अब मम्मी में ये पावर है कि वो पापा को इन्फ्लुएंस कर सकती है छोटा बच्चा होता है उसको बाहर रहने जाना है मम्मी से कहता है मम्मी मेरे को फ्रेंड के यहाँ पे नाइट स्टे करना है मम्मी कहती है बेटा मैं हाँ नहीं कर सकती लेकिन हाँ पापा से बात करूंगी अब क्या होता है पापा को भरना शुरू हो जाती है मम्मी कोई बात नहीं आजकल सारे बच्चे जाते हैं पढ़ाई करेगा ये करेगा वो करेगा सुबह तक पापा अच्छा यार तू जाने दे मेरा दिमाग बनता सो क्वीन हैज दैट पावर दैट यू नो शी कैन इन्फ्लुएंस द किंग किंग ऑब्वियसली पापा है या फादर फिगर है या द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है जिसको डिसीजंस प्रैक्टिकली लेने पड़ते हैं वो इमोशनल होके अगर डिसीजंस लेगा तो घर कैसे चलाएगा सो so, वो प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेता है किसी किसी घर में ये रोल रिवर्सल भी होता है मम्मी किंग होती है पापा क्वीन होते हैं वहां मम्मी की चलती है किसी किसी घर में राइट सो दीज कार्ड आर नॉट एज बेस्ड दे आर नॉट जेंडर बेस्ड दे आर एनर्जी बेस्ड एनर्जी पे बेस्ड होते हैं ये कि जिसका कार्ड आया उसकी एनर्जी ऐसी है हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो आदमी है औरत है पंद्रह साल का है तीस साल का है no. नो हम उसकी क्वालिटीज की बात कर रहे हैं यस, आई हैव कवर्ड कोर्ट कार्ड्स, पिप कार्ड्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन मी ऑफ हाँ एक चीज बताना मैं आपको भूल गई ऑल कोर्ट कार्ड आर कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव कार्ड इन टैरो सारे कोर्ट कार्ड जो होते हैं इनमें अगर कोई नेगेटिव क्वालिटी भी है तब भी हम इनको पॉजिटिव ही मानते हैं क्यों क्योंकि इन सबके पास स्टेटस है इन सबके पास पैसा है इन सबके पास लग्जरीस है और आजकल यू नो एक वो सेइंग है इट्स बेटर टू क्राई इन अ बीएमडब्ल्यू देन टू क्राई इन अ बाइसिकल सो आजकल भाई पैसा है तो लोग बोलते हैं कि सारी चीजें ठीक है सो so, इसीलिए इन कार्ड्स को हम पॉजिटिव मानते हैं सो दैट मींस मैम हूएवर हैज अपीयरड इन दिस कार्ड इज वेलदी इज हैज गॉट गुड स्टेटस यस गुड स्टेटस एंड एज इन देखो गुड स्टेटस जो होता है ना वो एक बड़ा वेग टर्म है है ना मेरे लिए गुड स्टेटस हो सकता है टू करोड़ में हो आपके लिए हो सकता है ट्वेंटी करोड़ में हो राइट सो so, वो एक वो बात नहीं हम कर रहे मतलब ये होगा कि उस इंसान के पास अपनी नीड्स के लिए पैसे हैं वो उसका जो स्टेटस है ही इज ही हैज दैट वेल्थ ही हैज दैट हाउस ही हैज दैट कार जो उसके लिए स्टेटस मतलब वो अपने आप को वेल्थ समझता है अब वो जो भी उसका बार है वो उसको फुलफिल करेगा येस एनीबडी एल्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन नो क्वेश्चन शेल बी मूव फॉरवर्ड Next, what we need to do, I i just have to cover one more topic in the basics that is colors color symbolism that is used in tarot cards. Okay? मैंने आपको शुरू में बताया था कि colours को हम बहुत ही ज़्यादा importance देते हैं tarot cards में, बहुत तरीके से हम colours को use करते हैं, कहीं पे एक कलर कहीं पे आपका कुछ मीनिंग करेगा वही कलर किसी और चीज में जाएगा तो वो कुछ और मीनिंग करेगा अभी पहले हम मीनिंग पढ़ते हैं फिर उनकी एप्लीकेशन देखेंगे ठीक है कलर सिंबोलिज्म I will write the colors and then then discuss दीज आर द ओनली कलर दैट वी यूज इन टैरो टैरो में बहुत ज्यादा कलर्स यूज नहीं होते हैं राइट दीज आर द ओनली बेस कलर दैट वी टेक इन टैरो बट हाँ इनको हम बड़ा घुमा फिरा के और बड़े बहुत सारे तरीकों से यूज करते हैं ये सो वट ड वाइट कलर मीन जब हम वाइट कलर दिखाते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है प्योर हम्म व्हाइट कलर मीन्स प्योरिटी इनोसेंस ट्रूथ पीस अभी देखिए व्हाइट यहां पे इसका बैकग्राउंड व्हाइट है यहां पे ये इंसान व्हाइट है यहां पे ये घोड़ा वाइट है ये इंसान ब्लैक है सो so, हर जगह पे इसका मीनिंग बदलेगा राइट right? यहां पे आप देखेंगे व्हाइट एंड ब्लैक को हमने दोनों को इकट्ठा दिखाया है so, सो हर जगह मीनिंग इन चारों में से कुछ ना कुछ बन जाएगा है ना डिपेंडिंग ऑन द कार्ड इट विल मीन प्योरिटी और इनोसेंस और ट्रूथ और पीस राइट ब्लैक क्या बताता है ब्लैक बताता है डिप्रेशन कंफ्यूजन लाइज मोटा मोटा आप कह सकते हो नेगेटिविटी अब देखिए यहां इन दोनों कार्ड्स में हमने ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिखाया है राइट right? इस कार्ड में हमने इस इंसान या स्केलेटिन जो जो भी आप कह सकते हो इसको पूरा ब्लैक बनाया है यहां पे हमने इन्वायरमेंट ब्लैक बनाया है राइट right? सो so हर कहीं पे उसका जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं बदल जाएगा लेकिन डिप्रेशन कंफ्यूजन लाइज या नेगेटिविटी में से मीन करेगा ओके येलो येलो इन टैरो मीन्स पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म आपने देखा बहुत सारा येलो है ओवरऑल कार्ड पॉजिटिव है आपको दो मिनट में समझ आ जाएगा देखिए बहुत सारा येलो बहुत सारा येलो बहुत सारा येलो ऑल पॉजिटिव कार्ड्स आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन जो वो पूछ रहा उसका है उसका पॉजिटिव आंसर है उसने पूछा क्या मैं लंडन चला जाऊंगा पॉजिटिव कार्ड है यस yes. क्या मेरी शादी अच्छी रहेगी पॉजिटिव कार्ड है यस इफ यू डू नॉट नो हाउ टू इंटरप्रेट फर्दर बेसिक की बात करें है ना राइट ऑरेंज और इंज शोज हीलिंग पावर्स अब हीलिंग पावर्स का मतलब ये नहीं है कि मैंने ऐसे हाथ किया और कोई रेज निकली और आप ठीक हो गए ऐसा नहीं हीलिंग पावर्स मीन्स गुड काउंसलिंग पावर्स राइट कि लोग जब परेशान होते हैं जब दुखी होते हैं तो वह आपके पास आते हैं हीलिंग के लिए काउंसलिंग के लिए आप उनको एक रे ऑफ होप देते हो राइट right? बट जब बहुत ज्यादा ऑरेंज होता है तो यही मीनिंग नेगेटिव हो जाता है फिर वो ईगो को दिखाता है इफ द ऑरेंज इज टू मच इन द कार्ड देन इट विल शो ईगो मैंने शुरू में आपको दिखाया था ये देखिए इसमें बहुत ज्यादा ऑरेंज है सो so, अब ये हीलिंग पावर्स नहीं है अब ये ईगो है जहां पे थोड़ा सा ऑरेंज होता है वहां पे हीलिंग पावर्स होते हैं। क्लियर मैम दोबारा दिखाना कैसे अभी मैं दिखाती हूँ फिर मुझे एक कार्ड ढूंढने दो जरा आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर दैट आई डि नॉट गेट इट डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा वन सेकेंड

Connected to nature means connected to the divine forces around. Connected to the cosmic forces around you. lady has green rope. Which means she's connected to the energies around her. Right? Red, love, energy. और जब बहुत सारा रेड है बहुत ज्यादा एनर्जी क्या बन जाती है अग्रेशन सो so, बहुत ज्यादा रेड हुआ तो वो अग्रेशन भी बन जाएगा फिर ब्राउन डाउन टू अर्थ हम कहते हैं ना जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है देखो इसके पास कितना पैसा है कितनी नॉलेज है लेकिन बिल्कुल भी घमंड नहीं है जमीन से जुड़ा हुआ है

एंड ब्लू ब्लू इज ओनली यूज इन बैकग्राउंड ऐसे मिक्स में यूज होता है ब्लू एंड ग्रीन ये ब्लू बैकग्राउंड ब्लू नहीं होता ब्लू ग्रीन मिक्स में होता है तो एकदम ब्लू नजर आते हैं राइट सो इट शोज कामनेस ये कलर्स यूज होते हैं टैरो में बस इतने ही कलर्स है बट इनको यूज बड़ा यू नो क्रिएटिवली किया गया है हर जगह एक कार्ड में अगर आप देखोगे ना पांच कलर्स हैं अब जैसे ये कार्ड है इसमें ग्रीन है रेड है व्हाइट है ब्राउन है येलो है हर हर कलर का मतलब है वो हमें पढ़ के रिलेट करना पड़ता है क्लियर एंड देर इज वन मोर कलर दैट एवरी रीडर नीड्स टू नो आपने देखा भी होगा टैरो कार्ड रीडर्स के पास बहुत ज्यादा होता है ये कलर पर्पल उनके कपड़े पर्पल होते हैं जिस पे वो टैरो बिछाते हैं या उनके पास पर्पल क्रिस्टल होता है एमेथिस जैसे शुरू में भी किसी ने बोला था क्या होता है ये ये दिखाता है साइकिक पावर्स को बेसिकली आपके ब्राउ चक्रा का कलर होता है इंडिगो ये जो आपका ब्राउ चक्रा होता है जिससे सारी इंट्यूशन आती हैं साइकिक पावर्स आती हैं स्पिरिचुअलिटी आती है ये उसका कलर होता है तो जितना भी ये कलर आपके आसपास होगा उतना आपका ब्राउ चक्रा एक्टिवेट होता जाएगा आप एक अच्छे रीडर बनते जाओगे स्पिरिचुअलिटी में जाते जाओगे इसलिए टैरो रीडर्स पर्पल बहुत ज्यादा यूज करते हैं सो so, ये टैरो में नहीं यूज होता बट रीडर्स करते हैं इसलिए आपको पता होना चाहिए सो दिस इज कलर सिंबोलिज्म दैट इज यूज्ड इन

वेरी छोटा ऑब्जेक्ट भी किसी कार्ड में फूल बनाए बर्ड बनी है पहाड़ बनाए रिवर बनी एवरीथिंग हैज अंग देखो भाई क्या है ना उनको इतने से कार्ड में आपको पूरी एक कहानी बतानी है तो वो एक भी चीज वेस्ट नहीं करेंगे अपनी हर सिंबल हर नंबर हर कलर हर इमेज दे हैव अग फॉर इट तभी तो जैसे शुरू में किसी ने पूछा था मैम हमें वर्कशॉप करके आ जाता है भाई कैसे आएगा में इतनी डिटेल हमको घुसना है तो कैसे तीन घंटे में तो नहीं आ सकती ना वो चीजें तो हमें एक एक कार्ड को इंडिविजुअली फोकस करना पड़ता है मैम जब स्प्रेड करते हैं देर आर मोर देन थ्री कार्ड्स आई मीन देर आर अलग अलग स्प्रेड्स होते हैं बारह कार्ड के भी होते हैं चौबीस के भी होते हैं यस आई आई नो दैट तो मैडम वो जब करते हैं तो every time um, we will not be able to connect to each and every symbol or color right I mean whatever we are I mean which you know uh, draws our attention so is that true yes very true why uh, Dhruvi Thakkar please keep yourself on mute वाई बिकॉज हमने जब पढ़ा था शुरू में मैंने आपको बताया था वॉट इंक्लूड्स अ टैरो रीडिंग उसमें मैंने आपको बताया था सारी चीजें एक तरफ एक रीडर की इंट्यूशन एक तरफ राइट सो वेन यू लुक एट अ कार्ड मैं भी आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगी सो वेन यू लुक एट अ कार्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ध्यान कहाँ गया है तभी जब आप रीडिंग करते हो तो रीडिंग से पहले प्रॉपर रूल्स अप्लाई होते हैं ये नहीं है मैं टीवी देख रही हूँ आप आगे चलो मैम रीडिंग कर दो और मैं बैठ गई रीडिंग करनी इट इज नॉट लाइक दैट आपको रीडिंग से पहले प्रॉपर ग्राउंडिंग करनी है प्रॉपर चार्जिंग करनी है कार्ड्स की फिर रीडिंग करनी है तभी हर चीज का मतलब होगा ऐसा नहीं जहां मर्जी आए बैठे बेड पे बैठ गए जी रीडिंग शुरू कर दी ट्रेन में जा रहे हैं टैरो रीडिंग करते हुए इट इज नॉट अ जोक जिस चीज से आप अपना फ्यूचर पूछना चाह रहे हो ना इट सर्टनली हैज पावर्स

उसका सबसे पहले एक जनरल इंटरप्रिटेशन होगा कि अगर वो कार्ड सामने आ गया आपके तो वो एक जनरल इंटरप्रिटेशन में क्या बोल रहा है उसके बाद उसका फर्स्ट एस्पेक्ट होगा पास्ट सेकंड होगा प्रेजेंट थर्ड होगा फ्यूचर फोर्थ होगा बिजनेस जब मैंने बिजनेस लिखा तो जॉब वॉब सब इसमें आ गया ठीक है करियर से रिलेटेड फिफ्थ होगा रिलेशनशिप एंड सिक्स होगा हेल्थ सेवेंथ एस्पेक्ट होता है आपका गाइडेंस या रीजनिंग अब आप दुनिया जहान से कोई भी क्वेश्चन बोल दो एनी क्वेश्चन यू स्पीक दैट विल कम इन दिस एट थिंग्सर इट विल कम इन जनरल इंटरप्रिटेशन पास प्रेजेंट फ्यूचर हेल्थ रिलेशनशिप बिजनेस और गाइडेंस एंड रीजनिंग सारे क्वेश्चन कार्ड इसी इन्हीं एस्पेक्ट में से निकलते हैं ये सारे एस्पेक्ट्स हमें हर कार्ड में पढ़ने पड़ते हैं अब देखो क्या होता है मान लो आप वॉन्ड्स का कार्ड आ गया अब मैंने आपको बताया था वॉन्ट्स का कार्ड होता है करियर रिलेटेड एक्शन मतलब वो इस एस्पेक्ट का कार्ड है लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे गायब हो जाएंगे बाकी सब भी हैं उसमें बाकी सब भी हमें पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये थोड़ी है जरूरी कि जब करियर का क्वेश्चन होगा तभी बॉन्ड का कार्ड आएगा ऐसा तो नहीं होगा हम तो सेवेंटी एट कार्ड को मिक्स कर देंगे तो कोई भी कार्ड कहीं का पे भी आ सकता है इसीलिए हमें सारे एस्पेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं इसीलिए मैं कहती हूँ बी इनफ बेसिक कोर्स में क्या होता है आपको सिर्फ जनरल इंटरप्रिटेशन सिखाया जाता है और एक कार्ड जो जनरल इंटरप्रिटेशन में पॉजिटिव है जरूरी नहीं है वो हर एस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा द फूल बहुत फर्स्ट कार्ड है यू नो मेजर आरकना का जीरो नंबर का द फूल आप जनरल इंटरप्रिटेशन बोलो इट इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड इट गो अहेड बट ओनली हियर पास्ट इज पॉजिटिव प्रेजेंट पॉजिटिव फ्यूचर नेगेटिव बिजनेस नेगेटिव रिलेशनशिप पॉजिटिव हेल्थ पॉजिटिव सो जरूरी नहीं है एक कार्ड जो जनरल इंटरप्रिटेशन में पॉजिटिव हो वो सबके लिए पॉजिटिव हो किसी चीज के लिए वो नेगेटिव भी है तो वो हमें तभी पता लगेगा जब हम एस्पेक्ट पढ़ते हैं मैम एक चीज मुझे बताइए जैसे जब कोई क्वेश्चन करता है तो हम ये कैसे देखें कि वो मेजर के हिसाब से उसका आंसर मिलना चाहिए कि माइनर क्योंकि जब... नहीं, जब हम शफलिंग करते हैं ऑल सेवेंटी एट कार्ड आर टूगेदर वी वी विल नॉट डिसाइड कि ये मेजर से आएगा माइनर से आएगा कहाँ से आएगा वो अपने आप

नहीं मैं आपको बताती हूँ क्या होता Hello. है यस आई हैव हैव हर्ड हर्ड यू यू ध्रुवी यस आई 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 एम आंसरिंग क्या okay. होता है ना जैसे जैसे चीज डेवलप होती है लोग उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स शुरू करते हैं सो सम पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग दिस व्हाट दे डू इज दे विल टेक आउट ओनली मेजर आर्कना दे विल टेक आउट ओनली माइनर आर्कना दे विल रीड इट इज नॉट अभी तक रिसर्च नहीं है ये चीज जो कर रहा है वो इंडिविजुअल एक्सपेंस पे कर रहा है आज मैं करना शुरू कर दूं तो मुझे कौन आके रोकेगा कोई नहीं रोकेगा ना सो so, वो इंडिविजुअल एक्सपेंस पे कर रहा है टैरो एज अ सब्जेक्ट उसको सपोर्ट नहीं करता टैरो कहता है सेवेंटी एट कार्ड जब तक एक साथ नहीं है सेवेंटी सेवन भी है तो भी आप रीडिंग नहीं कर सकते इट इज नॉट वैलिड राइट सो अभी क्या होता है ना जो जो चीजें इंसान सीखता जाता है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं मैं टैरो करती हूँ न्यूमेरो करती हूँ एस्ट्रोलॉजी करती हूँ वास्तु करती हूँ सो so, जब कोई क्लाइंट मेरे पास आया है तो मैं टैरो के साथ साथ उस पर और भी चीजें कर रही हूं बट वो ये सोचेगा कि ये टैरो से ये कर रही है ये टैरो में ही ये मिला रही है बिकॉज आई हैव नॉलेज आई कैन मिक्स थिंग्स बट इट डज नॉट मीन दैट टैरो हैज समथिंग टू डू विद वास्तु और निमेरोलॉजी वो टैरो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है ओके छवि आई हैव सीन योर क्वेश्चन आई विल बी आंसरिंग वो अपने आप में इंडिविजुअल सब्जेक्ट है लेकिन जिसको नॉलेज है भाई वो मिक्स कर सकता है I have a question. Yes Is can we give guidance for a, so I mean for a family member who's you know uh, relatives have just passed away and they are you know asking for guidance? I just had one friend of mine. she's asked, I mean his, her father passed away during this COVID time so um, everywhere she is like she is right now very emotionally you know disturbed and all that so she asked me uh, can you tell me what message my father has for me because they couldn't see him uh, during his last days. he was in the ICU so departed <laughs> soul i will i will try to answer that question see what happens is when a soul departs एक्चुअली तो नो बडी नो वैर इट गोज ओके बट माइथोलॉजिकली हम क्या मानते हैं कि वो परमात्मा में मिल जाता है राइट right? mm -hmm. हम आपको कह रहे हैं कि कार्ड क्या है परमात्मा का मैसेज yeah. तो yeah. आप उसको मान सकते हो कि वो जो डिपार्टेड सोल है वो उसका मैसेज है। हैविंग सेड दैट आई नेवर रेकमेंड दीज थिंग्स मैं कभी भी ये चीज एनकरेज नहीं करती कि आप इस चीज के पीछे भागें कि जो चला गया है उससे हम कनेक्ट कर लें या वो हमको क्या मैसेज जो चला गया है वो एक दूसरे वर्ल्ड में उसको सुखी रहने दो वहां पे राइट right? क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं एंड जब आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं सो इन सब चीजों की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं है बहुत लोग मुझसे कहते हैं है, मैम सिद्धियां कराते हो सिद्धि क्या होती है राइट right? सुना होगा आपने भी सिद्धि होती है कि बिना आप कुछ देखे पढ़े मैंने बता दिया आपके जेब में कितने पैसे हैं मैंने बता बताया अलग अलग चीजें होती हैं वो ग्रस्त जीवन के लिए नहीं होती सो so, दो लाइन है इसकी एक इस तरीके की लाइन और एक वेदिक लाइन जिसपे हम चलते हैं सो so, जो लोग मैरिड होते हैं बच्चे बाल बच्चे वाले होते हैं या जो कोई एक स्पिरिचुअल आप जीवन जी रहे हो तो आपके लिए ये वाली लाइन है वेदिक तो हमें इन चीजों में कहीं कभी भी नहीं जाना चाहिए अगर कोई इमोशनली डिस्टर्ब है तो हमें उसको काउंसिल करना चाहिए बट वी शुड नेवर एनकरेज आई हैव सीन पीपल यू नो हु टेक एडवांटेज ऑफ सच पीपल वो यू नो यस आई कैन डू इट इतना चार्ज लगेगा ये लगेगा बोलो सो दे ट्राई टू टेक एडवांट डोंट डू दैट सी व्हेन आई टीच जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ना मैं उनको ये बहुत अच्छे से समझा देती हूँ कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं व्हेन यू कम इन टू दिस फील्ड इसमें गंध नहीं मचाएंगे आप mm -hmm. Yeah, yeah. You know, हाँ तो आजकल क्यों बदनाम हो गया ये प्रोफेशन क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं ना कुछ भी कर रहे हैं कोई मॉरल ही नहीं रह गए उनके वो ये भूल गए हैं दैट दिस कैन नॉट बी मेड प्योरली अ प्रोफेशन ठीक है हमने बना रखा है मैं भी पैसे लेके पढ़ाती हूँ मैं भी पैसे लेके कंसल्टेशन देखती हूँ मैं भी कोई सोशल सर्विस नहीं करती लेकिन एक हद में रह के ये चीजें करनी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली yes, yeah. ये एक डिफरेंट पाथ है दिस इज नॉट कि आपने पैसे लेके ब्रेड बेची है राइट right? ये हाँ, ये वो वाटर सिस्टम एनी क्वेश्चन देर आर रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो की आप क्या हाँ, नहीं कर सकते देर आर रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बता दोगे एक बार एक क्लाइंट मेरे पास आया था वो कहता है मेरी वाइफ कब मरेगी सो वीडोन आंसर सच क्वेश्चन हाँ मॉरल बाइंडिंग क्वेश्चन होते हैं अच्छा है मैं बीच में आपको ये बता दू मेरा फेसबुक पेज है एस्ट्रोलॉजी क्लब एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं मैं लिंक डाल दूंगी उसमें सो so, उसको आप लाइक एंड फॉलो जरूर करें क्योंकि मुझे कैसे याद आया आपने अभी अभी पूछा और कल ही ये पोस्ट मैंने उसमें डाला था टैरो एथिक्स करके कि टैरो के क्या एथिक्स हैं तो अगर आप मेरे पेज से कनेक्टेड होते यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन लाइक दिस ऑन टैरो न्यूमरोलॉजी वास्तु एस्ट्रोलॉजी में डालती रहती हूँ उसमें सो so, टैरो के भी एथिक्स होते हैं भाई ऐसा नहीं है हम कुछ भी बता देंगे As i've seen all your videos mostly on FB and on youtube okay. i've learned quite a lot from your videos also and that's why i wanted to attend this workshop to see you you know i mean to actually talk to you and uh, Thank you. then decide on you know all right things, yeah. yes uh, how to improve and increase our intuitive powers yes hai hotana how to improve your intuition इसके लिए सबसे पहले आपको एक स्पिरिचुअल लाइफ लीड करनी पड़ती है स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है उसका मतलब ये नहीं होता आप सारे काम धंधे छोड़ दो बच्चे छोड़ दो पति छोड़ दो और सिर्फ जप में लग जाओ नो स्पिरिचुअल लाइफ लीड करने का मतलब ये होता है आप कम से कम झूठ बोलो कम से कम क्रिटिसिज्म करो कम से कम बुरे काम करो एक सिंपल सीधी लाइफ जीने की कोशिश करो मैंने कम से कम का क्यों यूज किया क्योंकि हम यू you नो know, जिस दुनिया में रहते हैं वहां बिल्कुल ना करो ऐसा हो नहीं सकता प्रैक्टिकली नहीं हो सकता मैं भी नहीं कह सकती कि मैं सिर्फ सच बोलती हूं नॉट पॉसिबल इसलिए मैंने यूज किया कम से कम करो ओके okay? सेकेंडली कोई ना कोई स्पिरिचुअल रूटीन जरूर फॉलो करो आपका जिसमें भी मन लगता हो आपको मेरा हनुमान चालीसा पढ़नी अच्छी लगती है आपको दुर्गा चालीसा पढ़नी अच्छी लगती है आपको चैंटिंग अच्छी लगती है आपको कोई भी मंत्र अच्छा जो भी आपका मन है बट एक स्पिरिचुअल रूटीन आपका डेली का होना चाहिए सो दैट यू कैन कनेक्ट टू द डिवाइन ठीक है ये बेसिक बातें हैं इसके बाद आती है अपनी बॉडी पे काम करना आपके जो चक्रास होते हैं जब तक वो बैलेंस्ड नहीं होंगे एक्टिवेटेड नहीं होंगे यू कैन नॉट ग्रो स्पिरिचुअली राइट सो फॉर दैट देर आर लॉर्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग कोर्सेस देर आर मेडिटेशन देर आर कलर मेडिटेशन मंत्रा मेडिटेशन बहुत सारी चीजें आती हैं। उसको यूज करके आप उन चक्रास को बैलेंस करते हो एक्टिवेट करते हो फिर आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ने लगते हो ठीक है so, सो बिल्कुल सिंपल तरीका अभी बिकॉज यू आर एप्सोल्यूटली न्यू टू दिस तो आप सीधा उस लेवल पे नहीं जा सकते सिंपल आपको क्या फॉलो करना शुरू करना है पॉजिटिव सोचना है सबसे पहले जो हमारी और होती है वो सबसे ज्यादा हमारे थॉट से इफेक्ट होती है तो जब हम नेगेटिव सोचते हैं हमारी और बहुत रिड्यूस हो जाती है तो सबसे पहले उसको हटाओ पॉजिटिव थिंकिंग सेकेंड इज कम से कम झूठ बोलो कम से कम दूसरों का बुरा करो जानबूझ के आले किसी आले। को हाम मत करो बुराइयां मत करो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना हम कहते हैं हम तो कोई गलत काम नहीं करते दूसरा वो बुराई कर रहा था मैं थोड़ी ना कर रही थी तो सुन तो आप भी रहे थे आपके कर्मा में भी इन्वॉल्व होगा जवाब तो आपने भी दिया था राइट right? सो so, ये चीजें कम से कम करो यू विल स्टार्ट लीडिंग अ स्पिरिचुअल लाइफ सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया ए, आपका स्पिरिचुअल रूटीन होना चाहिए मंत्र चैंटिंग कर सकते हो चालीसा पढ़ सकते हो दुर्गा सप्शती जो भी आपको अच्छा लगता है आपका जो रिलीजन है जो भगवान जी को आप मानते हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो पहले टेन मिनट से शुरू करो फिर उसको बढ़ाओ फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी जितना आपका मन लगता है थर्ड जो अल्टीमेट फिर लेवल आता है वो आता है में में वो आता है चक्र बैलेंस चक्र बैलेंसिंग आते हैं एनर्जी हीलिंग कोर्सेज आते हैं फिर आप उस लेवल पे जाओ

सपोज वी है प्लीज कीप योर सेल्फ ऑनम्यूट ध्रुवी आप बार बार अनम्यूट हो रहे हो और आपके यहां से फिर डिस्टर्बेंस आती है हमें राइट सो लेट्स टेक एनी कार्ड मेजर ही ले लेते ले ले हैं फर्स्ट ही ले लेते ले हैं चलो द फुल ठीक है नाउ दिस कार्ड अब इसके सेवन एस्पेक्ट होंगे मैंने आपको बताया था जनरल इंटरप्रिटेशन क्या होगा जब हम इस कार्ड को देखेंगे तो हमारा ध्यान सबसे पहले जाएगा कि बहुत सारा येलो हमें दिख रहा है सबसे पहले हमें देखा बहुत ज्यादा येलो दिख रहा है क्लियर एक लाइन में हम बोल सकते हैं दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड ठीक है जो लोग बेसिक्स करते हैं ना उनको ये चीज समझ आ जाती है कि ये पॉजिटिव कार्ड है सो पॉजिटिव कार्ड है मतलब आप जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका पॉजिटिव आंसर दे सकते हो राइट right? अब हम क्लोज जाते हैं तो हम देखते हैं एक आदमी बनाया हुआ है उन्होंने जिसके हाथ में एक वाइट फ्लावर है एंड उसके हाथ में एक स्टिक है जिसपे उसने कुछ बांधा हुआ है आदमी जो है वो इस पॉस्टर में खड़ा है बड़ा फ्रीली एज पे खड़ा हुआ है वो एक लेकिन ऊपर देख रहा है नीचे नहीं देख रहा अगर हम खुद को इमेजिन करें हम पहाड़ पे खड़े हो जाएं तो हमारी आंखें ऐसे बिल्कुल गड़ जाएंगी कि हम कहाँ पैर रख के चलें हमारा पैर ना स्लिप हो जाए राइट बट उसको कोई परवाही नहीं विच मीन्स दैट दिस पर्सन इज अ केयर फ्री पर्सन उसको कोई परवाह नहीं है लाइफ में आगे क्या होने वाला है आगे वो गिर जाए ना गिर जाए उसको कोई मतलब नहीं है बट यू कैन नॉट कॉल हिम अ बैड पर्सन वाई बिकॉज ही इज होल्डिंग अ वाइट फ्लावर यहीं पर अंतर आ जाता है अब लोग क्या करते हैं मुझे मैम मेरा एक्स्ट्रा उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है वो ध्यान नहीं दे रहा रिलेशनशिप में अब वो देखते हैं कि ये इंसान है रिलेशनशिप ले नेगेटिव है बोल दो हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल नो इट केन नॉट बी लाइक दैट ही इज अ गुड पर्सन

बट इज नॉट किसी की परवाह नहीं है हमने इस कार्ड को पॉजिटिव क्यों बोला जबकि अभी तक जो क्वालिटीज मैं बोल रही हूँ सारी तो नेगेटिव ही लग रही है क्यों पॉजिटिव बोला बिकॉज राइट नाउ उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी सब कुछ सही चल रहा है <coughs> ऐसे जो लोग होते हैं इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि ये डिसीजन नहीं ले पाते फैसले नहीं ले पाते फैसला कौन लेता है जो पॉजिटिव भी सोच सकता है नेगेटिव भी सोच सकता है इसको तो नेगेटिव सोचना ही नहीं आता इसको तो लगता है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है फिर ये फैसले कैसे लेगा डिसीज कैसे लेगा और ऐसे लोगों को धोखा बहुत मिलता है वाई बिकॉज दे ये विश्वास कर लेते हैं जो भी दिख रहा है बस वही सच है सो so, इनको धोखा बहुत मिलता है सो दिस इज द जनरल एंटरप्रिटेशन ऑफ द कार्ड नाउ वी टॉक अबाउट द एस्पेक्ट पास्ट पास्ट में आपका द so आप बेपरवाह थे आपने कभी किसी की फिक्र नहीं करी आपको कभी ये नहीं लगा कि मैं ऐसे कर लूं या वैसे कर लूं आपने कोई प्लानिंग नहीं करी जैसा जो हुआ वो कर आपने उसको किस्मत पे छोड़ दिया भगवान पे छोड़ दिया कह सकते हो यू नेवर अड टू टेक एनी डिसीजन बायर सेल्फ लाइफ चलो चलो में निकली आपकी प्रेजेंट right? में आ गया सो so अभी सब कुछ बहुत अच्छा है बट ये आपके लिए एक रिंगिंग बेल है दैट यू नाउ नीड टू चेंज बिकॉज इफ यू डू नॉट चेंज योर एटीट्यूड इन द फ्यूचर अब आप एज पे आ गए हो बिल्कुल अब वो टाइम गया कि आप कुछ भी करते रहोगे बट स्टिल इट विल रिमेन पॉजिटिव बिकॉज अभी सिचुएशन पॉजिटिव है फ्यूचर में आ गया अब प्रॉब्लम फ्यूचर में मैं आपको बोलूं आप बुद्धू हो जाओगे मूरख हो जाओगे फूल का मतलब वही है ना मूरख हो जाओगे सो इट इज नॉट पॉजिटिव इट इज अगेटिव थिंग सो फ्यूचर के लिए ये कार्ड नेगेटिव हो जाता है मतलब जनरल इंटरप्रिटेशन में अगर एक कार्ड पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये नहीं है वो हर जगह पॉजिटिव रहेगा नाउ वी कम टू हेल्थ सो so, अभी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आपको परवाह किसी चीज की नहीं है ना आप डाइट करते ना आप एक्सरसाइज करते आप जैसे हर भारतीय को लगता है बेसिकली कि मैं तो अमर हूं मुझे तो कुछ नहीं होगा मुझे क्या होना है टर्म इंश्योरेंस किस लिए मैं कहा जा रहा हूं सो so, वही हालत इस इंसान की है बट वी हैव टू गिव द गाइडेंस कि अभी बहुत हो गया नाउ चेंज योर एटीट्यूड अच्छी बात क्यों है हेल्थ के लिए हम पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं क्योंकि फिलहाल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं बिजनेस right? के लिए आ गया तो ऐसा इंसान बिजनेस कर पाएगा जिसको ना नेगेटिविटी दिखती ना फैसले लेने आते ना लोगों को समझ सकता है कैसे बिजनेस कर लेगा जब तक दूसरे संभाल रहे हैं पॉजिटिव जब तक दूसरे संभाल रहे हैं सिर्फ तभी तक चल रहा है उसका बिजनेस सो so, ये खतरे की घंटी बज गई आपके लिए रिलेशनशिप ही टेक्स इट फॉर ग्रांटेड चीटिंग नहीं कर रहा ये नहीं कह सकते आप सिर्फ वो ग्रांटेड लेता है ना उसको आप उछाल दो, महीने के बच्चे को वो हंसता क्यूं? उसको गिरने का डर पता ही नहीं है उसको ये पक्का विश्वास है कि मेरी माँ तो मुझको बचा लेगी उसने सिर्फ अपनी ही देखी है अभी तक सो वही ये कार्ड है कि इसको लगता है भगवान मेरे साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते लेकिन अगर आप कुएं में छलांग लगा दोगे तो भाई भगवान नहीं आएंगे नीचे बचाने गॉड हेल्प दोज हुल्व अगर आप ऐसी हरकतें करोगे कि भाई मैं तो नहीं बदलूंगा दुनिया में कुछ होता रहे फिर भगवान ना बचा रहे आपको राइट सो ये कार्ड कहता है दैट एवरीथिंग इज पॉजिटिव और आगे भी पॉजिटिव रह सकता है अगर आप हमारी गाइडेंस मान लो अपना एटीट्यूड चेंज कर लो चीजों को सीख लो और अगर कुछ भी नहीं कर सकते आप कहते हो भाई मैं तो अपनी फितरत नहीं बदल सकता तो फिर अपने वेल well विशर्स की सुनने लग जाओ आपके वेल विशर्स हैं अगर कुछ भी नहीं कर सकते अपने जीवन में तो वेल well विशर्स की सुनने लग जाओ क्लियर सो दिस इज हाउ वी लर्न वन फार्ड इन सेवन एस्पेक्ट्स वी लर्न टू इंटरप्रेट इट कंप्लीटली जब आप ये सारी इंटरप्रिटेशन सीखते हो तब आपको समझ आता है कि कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आप उसका क्या जवाब दोगे ठीक है अभी क्या होता है जो लोग सिर्फ जनरल पढ़ते हैं जिनको पता ही नहीं है एस्पेक्ट क्या होता है उनसे पूछ लो भाई मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है ये कार्ड आ गया अब उनको समझ ही नहीं आता कहते इतना पॉजिटिव कार्ड है इसमें तो सारी पॉजिटिव बातें कहते हैं ये कैसा कार्ड आ गया फिर वो कहते रीडिंग गलत हो गई गलत नहीं हुई उस कार्ड में जवाब है आपने नहीं पढ़ा हुआ राइट right? सो so, जब तक एस्पेक्ट नहीं पढ़ेंगे आप अटकेंगे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं आफ्टर डूइंग फुल फुल कोर्सेस एंड दे से नॉट कॉन्फिडेंट इन रीडिंग वाई आंट वी एबल टू रीड आई टेल देम बिकॉज यू नॉट डन दू हेव ओनली डन द जनरल इंटरप्रिटेशन सो टिल द टाइम यू विल डू एस्पेक्ट तब तक नहीं सवाल के जवाब दे सकते ठीक है हाँ जी सुमेदा मैम आई कैन सी कि एक सिंगल कार्ड में बहुत कुछ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं uh, मतलब डीपेस्ट वी कैन गो कि सामने वाले को समझाने के लिए तो मुझे एक चीज पूछनी थी कि अगर uh, मतलब मेरे हिसाब से अगर एक ही कार्ड में सभी आंसर आ जाते हैं तो कुछ uh, लोग जो तीन तीन कार्ड्स भी निकाल लेते हैं या मल्टीपल कार्ड्स निकालते हैं वो क्यों करते हैं इट इज सेटिंग्स होती हैं ये नहीं होता कि एक सवाल का जवाब तो आपको एक कार्ड से मिल जाएगा लेकिन सेटिंग्स हैं जैसे हॉरोस्कोप स्प्रेड होता है एक जिसमें बारह कार्ड्स निकाले जाते हैं तो ये नहीं है कि बारह कार्ड एक ही क्वेश्चन को बोले जा रहे हैं ऐसा नहीं है वो बारह अलग अलग चीजें देख के हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर जाओगे तो वहां पे आप देख सकते हो मैंने लाइव केस स्टडीज डाली हुई हैं बच्चों के साथ तो उसमें हॉरोस्कोप स्प्रेड या बड़े स्प्रेड्स भी आपको मिल जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वो अलग अलग कार्ड्स हैं उनको फिर हम एक साथ करते हैं सेल्टिक क्रॉस होता है वो टेन कार्ड स्प्रेड है तो उसमें दस कार्ड तो हमने निकाले हैं लेकिन वो सबसे हम एक ही चीज नहीं देख रहे अलग अलग चीजें देख रहे हैं और फिर उनको आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो मैम ये हमारे से होता है कि हम दस कार्ड निकाले कि हम एक कार्ड निकाले मतलब पर... क्या होता है ना देखो क्लाइंट को तो कुछ नहीं पता उसको तो यही नहीं पता टैरो रीडिंग क्या होती है वो तो बेचारा अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आ गया है ना अब वो आपको पूरी स्टोरी सुना देगा ऐसा हुआ ये हुआ वो हुआ वालाना हुआ फिर लास्ट में आपको समझ आएगा कि अच्छा ये ये पूछना चाहता है

तो उसमें कुछ प्रिडिक्शन मतलब उसमें हम सामने वाले को कहें कि आप ये तीन कार्ड्स जैसे मैंने तीन कार्ड्स निकाले मैं उसको कहूं कि तुम इसमें से पहले एक पिकअप करो वो तो, नहीं पिक करता वो सिर्फ कार्ड निकाल के हमको दे देता है ओके okay, रीड okay, okay. हम करते हैं उसको हाँ जी यस yes, हु uh, मुझे अभी दिख नहीं रहा अभी तो दिख रहे थे किसने हाथ रेज किया था कोई पूछना चाहता है ओके कविता प्रभु इज सेइंग आई हैव लर्न बट स्टिल कांट इंटरप्रेट कविता यही दिक्कत होगी आपकी कि आपने एस्पेक्ट्स नहीं पढ़े होंगे जब तक एस्पेक्ट्स नहीं पढ़ोगे तब तक इंटरप्रेट करने में दिक्कत आएगी यस एनीबडी एल्स हु वांट्स टू आस्क समथिंग मैम कैन यू टेल अबाउट योर एडवांस वर्कशॉप आई डोट डू एडवास हां बता देती हूँ ये वर्कशॉप के बाद में क्लास में भी भेज दूंगी अपने लिंक्स मेरे यूट्यूब वगैरह के आप उसमें भी और देख सकते हो इफ यू सी हाउ आई टीच और मैं एडवांस कोर्स का आपको बता देती हूँ वॉट आई डू फर्स्ट थिंग इज सेवेंटी एट कार्ड की इंटरप्रिटेशन इन ऑल सेवन एस्पेक्ट जो मैंने अभी आपको पढ़ाए मतलब समझाया कि क्या एस्पेक्ट्स होते हैं तो ये हो जाता है सेवनटी एट इंटू सेवन पहले तो हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले यही चीज है राइट उसके बाद हम सीखते हैं चार्जिंग तो को चार्ज कैसे किया जाता है इस चार्जिंग में ही आ जाएगी ग्राउंडिंग चार्जिंग क्लींजिंग सारे तरीके उसके उसके बाद हम करते हैं चक्र बैलेंसिंग कोर्स क्योंकि आप कहते हो कि भाई इंट्यूशन नहीं बढ़ेगी तो, तो मैं रीडर अच्छा कैसे बनूंगा मेरी इंट्यूशन कैसे बढ़े सो so, उसके लिए मैंने इस कोर्स में चक्र बैलेंसिंग कोर्स भी डाला हुआ है हमारे जो मेन चक्रास हैं उसके बारे में मैं डिटेल्स में पढ़ाती हूँ क्या होते हैं वो कैसे होते हैं कैसे अनब्लॉक होते हैं कैसे ब्लॉक होते हैं सारी चीजें देन वी डू क्रिस्टल्स कौन से क्रिस्टल्स किस चीज के लिए यूज होते हैं टैरो में आप क्या क्या यूज कर सकते हो कैसे उनसे रेमेडी होंगे क्रिस्टल कैसे चार्ज होगा कैसे प्यूरिफाई होगा ये सारी चीजें देन वी डू स्प्रेड स्प्रेड्स में मैं करती हूं वन कार्ड थ्री कार्ड सिक्स कार्ड एट टेन ट्वेल्व सारे सारे तरीके उसके बाद आप कोई भी स्प्रेड कर सकते हो विद केस स्टडीज एंड एवरीथिंग आई डू इट जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगी आपको उसके डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे जो भी मैं बोल रही हूं सब मैंने लिखा हुआ है खुद सो यू विल गेट डिटेल्ड नोट्स जैसे हम स्प्रेड uh, करेंगे उसकी डिटेल्ड केस स्टडीज आपको मिलेंगी एवरीथिंग यू विल गेट ओके देन वी डू रेमेडीज रेमेडीज मैंने आपको बताया था आई डू अफ न्यूमेरो वास्तु एंड वेदिक एंड क्रिस्टल्स भी रेमेडीज का ही पोर्शन है सो so ये सारा जो मेरा कोर्स है ये मिल के आपका अराउंड ट्वेंटी फाइव क्लासेज का होता है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द ग्रास्पिंग पावर कई बच्चे बीस में भी पिक कर लेते हैं कई पच्चीस में भी नहीं कर पाते मुझे उनको एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ती है आई एम नॉट वेरी स्ट्रिक्ट ऑन क्लासेज आई हेल्प द स्टूडेंट्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल जितना मेरे में मैं कर सकती हूँ इजिली कि भाई ठीक है उनको बैकअप चाहिए मैंने बैकअप दे दिया दूसरा बैच ज्वाइन करना है, दूसरा बैच ज्वाइन कर लिया लेकिन अगर परेशान करते हैं तो फिर मैं कॉपरेट नहीं करती सो so, सीरियसनेस दिखनी चाहिए मेरे को स्टूडेंट में कि आप सीरियसली पढ़ना चाह रहे हो सो आई डू माई बेस्ट टू कॉपरेट एडवांस कोर्स करने के बाद में मेरे uh, किसी भी स्टूडेंट को 12 साल में मैंने ये प्रॉब्लम फेस नहीं करी कि मैंने कोर्स तो कर लिया लेकिन मैं रीड नहीं कर पाता मेरा कोर्स तब खत्म होता है जब आप मुझे कह देते हो मैम आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू रीड मैं रीडिंग कर रहा हूँ मेरी रीडिंग सच भी हो रही है एंड नाउ वी कैन क्लोज द कोर्स सो आई आई टीच बीन टीचिंग सिंस लास्ट एंड आई हैव स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब एंड आईव नेवर फेस सच अ प्रॉब्लम सो इफ बट येस मैं बहुत स्ट्रांगली ये बात बोलती हूँ भैया एडवांस करोगे तो होगा आप बोलो मेरे को बेसिक करा दो मेरे को दो दिन के में करा दो तीन उनमें नहीं होता ये एडवांस पढ़ोगे You will reach that level, that is my guarantee. Okay, Ji? Yes. Anybody else? Is your question Puchna hai. Or we can close for today. How did you like the workshop? It was amazing. Awesome. Uh, Simply amazing, ma'am. Okay. Yeah. I'm really like, oh, ma'am. Uh, how you started your tax journey? Like how you got interested? Just normally, I wanted to know. Okay, you wanted so let me just close and then we I will come to that. Okay, so for the workshop, uh, I mm -hmm. am fee fees uh, uh, for please. fees. Fees. My advanced course is 20,000. 20% off. Hai. So if you enroll. फॉर द बचेज दैट आई एम करंटली अबाउट टू स्टार्टेट अ ट्वेंटी वीकेंड दोनों तरीके के मेरे पास बैचेज होते हैं वीकडे जैसे मंडे वेंसडे आपने ले लिया ट्यूजे थर्सडे ले लिया वीकेंड इज सैटरडे संडे ठीक है तो हर तरीके का ऑप्शन है अवेलेबल वट एवर यू विश

बैच में मैं मैक्सिमम सेवन टू एट स्टूडेंट्स लेती हूँ सो so आप मेरे से जितना इंटरक्ट कर सकते हो आप उतना इंटरक्ट कर सकते मतलब जितना करना चाहते हो आप उतना इंटरैक्ट कर सकते हो इट इज एज गुड एज फेस फेस टू यू नो फिजिकली आप जैसे पढ़ रहे हो ऐसे ही पढ़ाया जाता है रिकॉर्डिंग में कब देती हूँ जब आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है आप मुझे इन्फॉर्म कर देते हो कि आज मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी आप रिकॉर्डिंग मुझे दे दीजिएगा सो देन आई गिव अ रिकॉर्डिंग एंड अ बैकअप ऑल्सो राइट so i think we are done for today and it was lovely having you all here we have answered don't worry right so kuch you all have my whatsapp number you can contact me okay